कैसे हैं सब लोग? ओके, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। सो अभी जैसा आप जानते हैं, इन द इवनिंग क्लास वी आर डिस्कसिंग, आज ज्यादा जूम है। हाँ, मैंने आपसे बोला था ना, इसका मन है भाई, इसका मन है। कभी ये जूम इन करता है, कभी ये जूम आउट करता है, बट खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि क्लास हमारी रेगुलर चलती रहती है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगेन गोइंग फॉरवर्ड, हम बात कर रहे थे पाइपलाइनिंग के, और कल हमने हजार्ड्स पे भी डिस्कशन स्टार्ट किया। कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर और सॉल्व करेंगे, और जो डेटा हजार्ड्स है उसको अच्छे से समझेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मैंने क्या सोचा कि यू नो, इन एवरी क्लास देयर इज समवन न्यू, तो मैं सबसे पहले अपना शेड्यूल एक बार डिस्कस कर लिया करूंगा। तो अभी कुछ पीपीटीज मैं फिक्स रखूंगा, तो आप देख सकते हैं करेंटली आई एम टेकिंग टू क्लासेस। जो भी नए लोग हैं, है ना, ये जो भी पुराने लोग हैं वो भी भूल जाते हैं, बार बार पूछते हैं, तो ये एक मिनट का डिस्कशन हम कर लिया करेंगे बिफोर एवरी क्लास। सो मॉर्निंग आई टेक वन क्लास, इवनिंग आई टेक वन क्लास, एंड राइट नाउ मॉर्निंग में अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर डिजाइन, जो कि 5th अगस्त तक चलने वाला है। इवनिंग में जैसा भी आप जिस क्लास को आप देख रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और आगे का पूरा सीक्वेंस अलोंग विद डेट मैंने यहाँ पे मैनेज किया है। थोड़ा सा भी मैं इसमें मे भी एक दो चेंजेस करूंगा इसको, थोड़ा सा और टाइमली वाइंड अप करने का, बट रफली कुछ ऐसा शेड्यूल रहने वाला है। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ दैट इज द डिटेल शेड्यूल। सो कंपाइलर, कहाँ कहाँ ब्रेक है, कहाँ कहाँ नहीं है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। सो कंपाइलर करेंटली वी आर हैविंग 4:3 रेशो, 4 क्लास, देन 3 दिन का ब्रेक, सो दैट आप काम कर सके, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसको भी कैचअप कर सके, कोई चीज अगर छूटती है तो उसको कोप अप कर सके। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी चल ही रहा है, और अभी आप जान रहे हैं कि बैक टू बैक क्लासेस है, इस बार सैटरडे को भी हमारी क्लासेस होगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यस, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका कंप्लीट होगा 20 को, ये कोर्स एक दो दिन में आपको नजर आने लगेगा, और मैंने इसे थोड़ा टाइटली पैक किया है ताकि विद टाइम मैं शेड्यूल आपका वाइंड अप कर सकूं। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ब्रेक्स कम लिए हैं, क्लासेस ज्यादा लगाई हैं। 21 जुलाई से स्टार्ट होगा और 24 अगस्त तक ये कोर्स चलने वाला है, तो रफली अराउंड आई थिंक मोर देन 25 क्लासेस यहाँ पर है। इवनिंग में ही क्लास होगी फॉलोड बाय कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यस, जी हाँ, कभी कभी संडे को भी लगाई है, सैटरडे को तो लगाई ही लगाई है। मैक्सिमम जहां भी ब्रेक दिया, 4-5 ब्रेक दिया, वो भी एक क्लास का। 27 क्लासेस आर देयर, सो 54 आवर्स की टीचिंग ओवरऑल यहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा गेट 2023 जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं वहां पर भी सेम सीक्वेंस फॉलो करूंगा। तो अभी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, या मतलब कर चुके हैं ऑब्वियसली, तो आपको एडवांटेज क्या होगा कि आप दोबारा ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। यस, जो मेरा समझने का तरीका कि टाइम लगता है चीजों को पढ़ने में, चीजों को समझने में, ऑब्जर्व करने में, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, और ये देखिए कमेंट सेक्शन में ऊपर आपको लिंक मिला हुआ है। तो जितने भी कोर्सेज, ये 2 कोर्सेज अभी यहाँ पर लाइव हैं, उसके अलावा जितने भी पुराने कोर्सेज हैं, मैं सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे प्लस में जाके ऑल कोर्सेज में सर्च करेंगे, तो आपको मेरे सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पर ऊपर लिंक है। यस, तो अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी हम क्या शेड्यूल पढ़ रहे हैं, कैसे आगे फॉलो करेंगे। आपने अगर अभी भी ज्वाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना स्टार्ट करिए, और विद टाइम आपका सिलेबस पूरा होगा और शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद प्रीवियस क्लासेस बिल्कुल आप देख पाएंगे, आज तक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल कोर्सेज नजर आ रहा है, उसमें आप कंप्लीटेड देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, जो कोर्स जितनी बार देख सकते हैं, देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आज स्पेशल क्लास हो चुकी है,
यूट्यूब पे थी, कल स्पेशल क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, कल की स्पेशल क्लास होगी 5:30 to 6:30, उसका मैं लिंक आपको दूंगा। शालीन कह रहे हैं फॉर 2022 आई स्टार्टेड लेट बट आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर 2023 और नॉट। अभी तो रिपीटिशन की बात भी नहीं करनी है, जब तक गेट है तब तक इसी बार अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करना, उसके आगे बात करनी है। सर एक्सटेंड करें सब्सक्रिप्शन अगले साल एंड होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस बार अच्छे रैंक निकालते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो आप डिपेंड्स ऑन यू, आप एक्सटेंड करना चाहते कि नहीं। देखिए हमें सिर्फ एक बार कन्विंस करना होता है, उसके बाद जब क्वालिटी आप देख चुके हैं, कंटेंट आप देख चुके हैं, तो उसके बाद मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। वो आप खुद डिसाइड करिए कि आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड हुआ है कि नहीं। और मैं तो कहता हूँ एक हफ्ते सब्सक्रिप्शन एंड होने दीजिए, फिर देखिएगा आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते कि नहीं, तो उसके बाद और बेहतर तरीके से आप उसको एक्सटेंड करेंगे। यस, चलिए सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो डिस्कशन हम कर रहे थे, तो कल हम बात कर रहे थे कंट्रोल हजार्ड्स की, याद है सभी को? अभी अभी इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लाने का कोई प्लान नहीं है। और देखिए मैं, मेरा मानना क्या है, जो टीचर पढ़ाता है उसकी टेस्ट सीरीज, उसका बना हुआ टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो टीचर पढ़ाता है कभी नहीं, बिकॉज हो सकता है मैं जो पढ़ाऊंगा उससे मिलता जुलता कुछ, वो मेरे सोचने का तरीका होगा उससे मिलता जुलता कुछ बनाऊंगा, बट आपकी लर्निंग प्रॉपर है कि नहीं है उसे चेक करने का बेस्ट तरीका कि कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, इजंट इट? और उसमें अगर आप स्कोर कर पाओगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार अपनी टेक्निक काम कर रही है, अपनी नॉलेज आगे भी काम आ रही है। सही बात है। उसके बारे में जैसी कोई अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा नोट्स कब मिलेंगे, बट ऐसा मत सोचिएगा नोट्स कोई चमत्कार है। वैसे तो मुझे ज्यादातर केस में ऐसे लगता है जो बच्चे नोट्स ढूंढ रहे होते हैं पता नहीं किस कंफ्यूजन में है, आपको लग रहा है ये सब पढ़ने के बाद अभी आपको और नोट्स की जरूरत है और उससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, तो इस बहकावे में मत रहिएगा, है ना। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के अलावा और कहां से प्रैक्टिस करें बताओ भाई? ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कर लेंगे, सारा क्लास वर्क होमवर्क सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कहां से प्रैक्टिस करना है? तो आप पहले टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो अभी इसका मतलब एक बात पक्का है कि आपने टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट नहीं किया या क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट नहीं किए, पहले कर लीजिए, उसके बाद जब कर लेंगे तब मुझे बताइए। जब कंप्लीट कर लेंगे, सर ये कर लिया आप बताओ क्या करने का है, मैं पर्सनल जिम्मेदारी ले रहा हूँ, चेक बुक लेके मैं आऊं, मैं आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक बात। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लुक एट दिस, गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन है, और कल भी हमने इसे सॉल्व किया कि नहीं किया? अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत लंबा खासा डेटा लिखा हुआ है, जिस जिसने इसको ट्राई किया होमवर्क में, और जैसा बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं कि 1.54 आंसर आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। उसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो अभी भी डरे हुए हैं पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट मैं जानता हूं कि अगर आपने इसको ईमानदारी से पढ़ा, इस पर ईमानदारी से काम किया होगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल चला गया होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वो होता ही यही है कि जब हम अपने हिसाब से एक चीज देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाता है। सर आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड ज्वाइन प्लस, इज इट ओके टू कंटिन्यू क्लास फ्रॉम हियर? बिल्कुल, अभी जो है वो सीखते चले, वरना होगा ये कि लाइव है वो भी रिकॉर्डेड बन जाएगा, फिर अगर अलग भी रिकॉर्डिंग होगा तो कुछ हाथ में मिलेगा नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना एक बार स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में एक दो मिनट निकल जाना है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज 5 स्टेजेस, नेमली इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड एंड रजिस्टर फेच, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस एंड राइट बैक, और लेटेंसीज भी लिखे हुए हैं। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसको रफली बना लेता हूँ सो दैट जस्ट मैं इमेजिन कर सकूं। सर एक क्वेश्चन है स्टॉल कैलकुलेट का कोई फॉर्मूला है? पहले कर लेते हैं उसके बाद पूछिएगा, है ना, तब डिसाइड करेंगे।
तो यहां पर हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन फेच में, देन उसके बाद जाते हैं इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड रजिस्टर फेच, देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, देन उसके बाद मेमोरी, एंड देन उसके बाद क्या बोला राइट बैक, और हर किसी का टाइम लिखा है। क्या क्या टाइम लिखा है? नाउ इंस्ट्रक्शन फेच 1 नैनो सेकेंड, इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड समथिंग दैट इज 2 नैनो सेकेंड, दिस इज अगेन 2 नैनो सेकेंड, दिस इज 1 नैनो सेकेंड, एंड दिस इज 0.75 नैनो सेकेंड। सारा का सारा डेटा क्लियर कट तरीके से इसने अपने को बता दिया, दैट इज इट। टू गेन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी द डिजाइनर हैव डिसाइडेड टू स्प्लिट I/RD into ID and RF1 and RF2 each latency of 2.2/3। तो ये जो सेकंड नंबर का स्टेज है जैसा वो बोल रहा है, उसने उसको एक स्टेज में डिवाइड किया कि दो स्टेज में? लुक एट दिस लाइन, सिंगल लाइन का ही पैराग्राफ है, तीन स्टेज में डिवाइड किया है, एक स्टेज में, दो स्टेज में, तीन स्टेज में, तीन स्टेज में डिवाइड किया है। तो इंस्ट्रक्शन फेच पे शायद कोई फर्क नहीं है, मैं फिर भी बनाते चलता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। तो इंस्ट्रक्शन फेच एज इट इज रहने वाला है विद द टाइम 1 नैनो सेकेंड, बट देयर यू सी 2 से भी इसका मन नहीं भरा, 3 में इसने डिवाइड कर लिया, एक का नाम इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड देन रजिस्टर फेच 1 जैसा वो बोल रहा है, एंड रजिस्टर फेच 2, और तीनों का टाइम परफेक्टली डिवाइड कर दिया जो कि पहले 2.2 था। तो क्योंकि 3 में डिवाइड किया, कोई लॉसेज ये नहीं मान रहा, 2.2/3 मेक सेंस। और मैं दोबारा आपसे बोलूंगा, ये जो कर रहा है क्या वो लॉजिकल है? इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? ये जो डिवीजन कर रहा है, इज इट लॉजिकल? हाँ, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शायद इन इस पूरे सिस्टम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो फिलहाल 2.2 है, यस और नो? इस पूरे सिस्टम की जो हाईएस्ट वैल्यू है सर वो है 2.2, और ये हमारे लिए समस्या है क्योंकि यही यू नो डिसाइड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, यस और नो? तो फ्रीक्वेंसी अगर स्पीड अप करनी है तो स्टेज का टाइम कम करना पड़ेगा, वही बात है, काउंटिंग बढ़ा दीजिए स्टेजेस की, स्टेजेस की काउंटिंग बढ़ा दीजिए पर उनका टाइम कम करिए। अभी भी इसका नहीं मन भरा, देखिए फिर कह रहा है जो एग्जीक्यूशन स्टेज है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, EX1 एंड EX2, और दोनों का लेटेंसी हो जाएगा 1 नैनो सेकेंड, अभी ये भी 2 नैनो सेकेंड है, तो ऑब्वियसली ये भी मुझे बॉटल नेक करता, तो ये लीजिए इसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया, स्टेजेस काफी इसने बढ़ा दी है। So let me name it as EX1 and let me name it as EX2, और ये भी 1 नैनो सेकेंड का और ये भी 1 नैनो सेकेंड का। Now the new design has a total, अच्छा बाकी सब कुछ सेम है तो उसको मैं फिर as it is बना देता हूँ, fair enough। तो इन्हीं दोनों स्टेज को इसने स्प्लिट किया, and then the memory will remain as it is for 1 नैनो सेकेंड, and the राइट बैक विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज एट 0.75 नैनो सेकेंड। द न्यू डिजाइन हैज टोटल 8 pipeline stages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सही बात है। Now, यहां तक का discussion close हो गया, पहले मुझे बता, अभी उसका branch की बात करेगा। यहां तक कोई doubt, कोई confusion है किसी को? अगर मैं in general पहले आपसे पूछ लूं कि ये जो ऊपर वाला सिस्टम है, जो ऊपर वाला सिस्टम है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या जवाब देंगे आप? ऊपर वाले सिस्टम की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी अभी के हिसाब से? तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/2.2 नैनो सेकेंड, इजंट इट? या बल्कि इसको ऊपर चाहो तो गीगाहर्ट्ज में लिख सकते हो, 1/2.2 गीगाहर्ट्ज, विच इज रफली अराउंड कितना बता रहे हो? हैप्पी बता रहा आ जाएगा सर 0.45 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, नीचे वाले सिस्टम की बता दो फिर, ऊपर वाले की बता पा रहे हो तो भाई नीचे वाले की भी बता दो। वेरी गुड। तब यहाँ पे लार्जेस्ट जो है वो वैल्यू 1 है, बाकी तो 2.2/3 और भी छोटा हो जाएगा। तो ओके, तो मैं अगर 1 नैनो सेकेंड डिवाइड करूंगा 1/1 नैनो सेकेंड, तो अगेन इट टर्न आउट टू बी 1 गीगाहर्ट्ज, यस और नो? यस। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी, अब वेरी गुड वेरी गुड, क्या फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो गया है और वो भी डबल से भी ज्यादा? हाँ, तो एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा और जो आपका थ्रूपुट है, जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, यस और नो? जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ रही। अब मैं सेटिस्फाइड हूं कि ठीक है, यहां तक आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज अभी हम हजार्ड्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में ऐड करेगा। कहता है, अ प्रोग्राम हैज 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन
which executes in the EX stage and produce the next instruction pointer at the end of the EX stage in the old design and the end of the EX2 stage in the new design. ये बड़ी बात बड़ी important है. Important क्यों है? ये कह रहा है कि 20% of the instruction तो branch है. यानी कि बची हुई 80 sequential चलेंगी yes or no? Yes. और उन 80% of the instructions में उन 80% ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में टाइम कितना होगा? 1 साइकिल होगा. सही बात है. कितना स्टॉल होगा वो कैसे पता लगेगा? यहां से क्यों लिखा आपने कमेंट? आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? अच्छा चलो फिर माफ किया एक बार. ठीक है आगे बढ़ रहा. मुझे लगा चुल्ला नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है. जैसा अभी वो फॉर्मूला पूछ रहा था, अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, कह रहा फॉर्मूला बताओ इसका क्या है. कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं. ठीक है तो अब देखिए 20% ऑफ द इंस्ट्रक्शन ब्रांच होंगे. अब ब्रांच होगा कि नहीं होगा ये आप जानते कि बाद में पता लगता है ना. अब वो यहां पर जानबूझ के आपको डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहा कितना स्टॉल है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. वो कह रहा है पुराने डिजाइन में जब एग्जीक्यूशन स्टेज कंप्लीट होती है तब पता लगता है कि ब्रांच होगा कि नहीं होगा. क्या ये बात आपको समझ आती है? पुराने में एग्जीक्यूशन स्टेज कंप्लीट होगा कि नहीं, ब्रांच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेमोरी और राइट करना तो बाद की बात है, एग्जीक्यूशन पे ही पता लग जाएगा. तो अब देखिए मुझे बताइए, मैं आपके सामने बनाता हूं और मुझे कुछ इसमें एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी या आप खुद ही बात समझ लेंगे. ये लीजिए पहला स्ट्रक्चर है, ज्यादा आगे चला गया, यहीं इसको रोक लेता हूं और एक और फॉर अंडरस्टैंडिंग अपन बना लेते हैं, जहां जितनी जरूरत पड़ी देख लेंगे. तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन फेच एंड देन इंस्ट्रक्शन डीकोड रजिस्टर फेच एंड देन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड देन मेमोरी. बहुत आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि पूरी प्रोसेस आप समझ जाओ एंड देन राइट बैक. अब आप मुझे बताओ क्या मैं यहाँ नीचे क्लॉक भी लिख देता हूँ, क्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 सो एन एंड सो फॉर. क्या मैं सेकेंड स्टेज में इंस्ट्रक्शन फेच कर पाऊंगा या नहीं? नहीं कर पाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कौन से इंस्ट्रक्शन रन करनी है. मेरे को कौन से इंस्ट्रक्शन रन करनी है ये मुझे कैसे पता लगता है और कब पता लगता है ये बता दो बस आज आप. मेरे को कौन से इंस्ट्रक्शन रन करनी है मुझे एग्जीक्यूशन के बाद पता लगेगा सर. तो आप मुझे बताएं क्या 2 स्टॉल खा लिए मैंने? तो समझने की विद्या है ना, इनमें फॉर्मूलाबाजी की जरूरत रही कहां. अगली बार पता नहीं क्वेश्चन कैसे चेंज कर दे, क्या घुमा दे, पूरी बात पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. हाँ सर 2 स्टॉल खा लिया, अब इसके बाद जब मैं काम चालू करूंगा तो इधर फेच करूंगा, फिर डीकोड ऑब्लिक रजिस्टर फेच, फिर पूरी कहानी मेमोरी ऑपरेशन. ये लीजिए ये भी कम पड़ गया और राइट बैक के बाद 8 क्लॉक में कहीं जाके सॉरी मेमोरी ऑपरेशन क्या खा गया मैं, एग्जीक्यूशन खा गया. तो एग्जीक्यूशन होगा फिर मेमोरी होगा एंड देन लास्ट में राइट बैक होगा. तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते होते कायदे से 6 क्लॉक होनी चाहिए थी बट 8 हो गई, यस और नो? तो अब मुझे बात बताने की जरूरत है क्या आपको कि ओल्ड प्रोसेसर में 20% ऑफ द टाइम मुझे 2 स्टॉल लगेंगे. ये लो लड़के ने वैल्यू निकाल दी. ये फॉर्मूला कल समझाया था आपको, बिल्कुल सही बात है. तो कैसे अब आपकी जमानत बोल रहा हूँ, आनंद ने पूरी कैलकुलेशन कर दी है, मुझे पहले पता नहीं था, मैं आनंद की वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ. 80% ऑफ द केस में तो सिंगल क्लॉक लगेगा, यस और नो? 80% ऑफ द केस में तो सिंगल क्लॉक लगेगा. रहा जो 20%, उसमें सिंगल क्लॉक तो लगना था, 2 स्टॉल इसने हमें लगा दिए. तो 1 + 2 कितना हो गया भाई साहब? 3 हो गया, 3 ना 0.8. ऐसा तो कल हमने 3 बार ये इस तरह का आइडिया सॉल्व किया था. 0.8 + 0.6 आंसर आ गया 1.4 CPI, यानी के 1.4 क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शन. बताइए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड. अब आगे का गेम समझिए. आप बोलो तो मैं पूरी बात दोबारा से बिल्कुल इस तरह टेबल बना के करूंगा, वरना यही समझ लीजिए
सेकेंड स्टेज में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कब पता लगता है, ईएक्स टू के बाद पता लगता है। तो आप मुझे बताओ कितना स्टॉल लगा मेरे ऊपर, एक स्टॉल, दो स्टॉल, तीन स्टॉल, चार स्टॉल, पांच स्टॉल, तब कहीं छठे से जाके मैं काम शुरू करूंगा। अच्छा मुझे याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ, क्या ये बात भी कल हम ऑब्जर्व कर चुके हैं क्या? मैंने आपसे तब भी बात की थी कि वैसे तो हम फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करने के लिए स्टेजेस बढ़ाते हैं और छोटे छोटे स्टेजेस लगाते हैं, लेकिन जब स्टेजेस ज्यादा होंगे तो इस तरह के केसेस में हजार्ड्स के साथ प्रॉब्लम होगी, यस और नो? जब स्टेजेस ज्यादा होंगे सर तो हजार्ड के साथ प्रॉब्लम होंगे, स्टॉल भी भारी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगा। बहुत अच्छे, तब आपकी जमानत पे पूछता हूं, क्या इसकी कहानी होगी सर? 80%, तो 0.8% केस में तो सिंगल साइकिल, यस और नो? 0.8% केस में सिंगल, यस और नो? यस, प्लस। अब आप मुझे बताइए 0.2 में कितना, 20% में कितना? 1, 2, 3, 4, 5, पांच इसके और एक हमारा, पांच और एक कितना हो गया सर? 6 हो गया। आई थिंक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। तो 0.8 प्लस 1.2, इट टर्नड आउट टू बी 2। ओहो, लगभग डबल हो गया है। आप समझ रहे हैं, 20% के केस में स्टॉल लगा, लेकिन हमारा सीपीआई 1 से बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इफ द स्टेज, इफ आईएफ स्टेज स्टॉल आफ्टर फेचिंग अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन अंटिल द नेक्स्ट ब्रांच इज कंप्यूटेड, ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ ऑल इंस्ट्रक्शन अदर देन द ब्रांच इंस्ट्रक्शन हैव एवरेज सीपीआई ऑफ 1 इन बोथ डिजाइन, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इससे पहले हम काम कर चुके हैं। द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम ऑन द ओल्डर वन एंड द न्यू डिजाइन आर पी एंड क्यू नैनो सेकंड रेस्पेक्टिवली, पी आर क्यू की रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसने सीपीआई पे क्वेश्चन पूछा है कि टाइम पे पूछा, ये बता दो। इसने क्वेश्चन पूछा जनाब टाइम के ऊपर, तो मुझे बता दें ऊपर वाले सिस्टम में। अच्छा हमसे क्या पूछा, पी बाय क्यू का रेशियो, पहला वैल्यू पी है, पहला वैल्यू पी है। तो यहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन के लिए 1.4 क्लॉक लगता है और टाइम कितना है जनाब? टाइम आप लेंगे 2 नैनो सेकेंड, आई एम सॉरी, यस। तो 1.4 इंटू 2.2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.4 इंटू 2.2, नाउ दिस टर्न आउट टू बी 3.08 नैनो सेकेंड। ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ बात समझ भी आ रही है कि नहीं? तो 3.08 नैनो सेकेंड का मतलब हो गया कि एक इंस्ट्रक्शन को रन करने में इतना समय लगेगा, 1.4 क्लॉक, हर क्लॉक का टाइम पहले से पास था, 3.08 आ गया सर एग्जीक्यूशन टाइम। सेकेंड केस में ये वैल्यू भले ही 2 है, ये अब आपको रियल मतलब समझ आएगा, डिफरेंस समझ आएगा। ये क्लॉक सीपीआई भले ही 2 है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, बट हर स्टेज का टाइम कितना है सर? हर स्टेज का टाइम इन सब में से लेंगे मैक्सिमम तो भी होगा 1 नैनो सेकेंड। तो देखिए अब मुझे दोबारा बताइए, इसका सीपीआई बहुत पुअर था फिर भी ओवरऑल ये जीता के हारा? इसका सीपीआई पुअर था फिर भी ओवरऑल ये जीत गया, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी पे काम किया, इसने स्पीड बढ़ा दी है। तो अब आपसे पूछा है रेशियो 3.08 डिवाइडेड बाई 2, ये आप करेंगे तो जो आप मुझे बता रहे थे सर आंसर आ जाएगा 1.54। यस, विश्वास मानिए अगर 4 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन मिला होता और ये सॉल्यूशन भी यहां लिखा होता, इसको देख के घबरा गए होते कि यार ये क्या चक्कर है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, और अभी भी आपको लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है तो अपने किसी क्लासमेट से करा लीजिए, वो कहेगा पागल है क्या ये। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से एक एक बात सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत शानदार तरीके से हम रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और चीजें समझ भी आती हैं। अच्छा गेट पूछ रहे हैं सर, अगर 1.5 करेक्ट आंसर और मेरा 1.7 आ रहा है तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए? देखिए जैसे इस तरह के केस में तो शायद एग्जैक्ट ही आना चाहिए, बिकॉज बहुत क्लोज वैल्यू है और कहीं पे कहीं राउंड करने की जरूरत पड़ी नहीं अपने को। 1.4 के आगे प्रिसीशन था, मैंने इग्नोर कर दिया, ये आंसर 1.4 ही था, तो मैंने इग्नोर तो कुछ किया नहीं, आंसर 1.4 ही था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है केस में, एक रेंज वो लिख देते हैं, एक रेंज लिख देते हैं कि उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा चलता है, यानी कि रफू हो सकेगी
है ना, फटी हुई नहीं सिलेगी, रफू हो जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो क्या रेंज है वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। सर आप क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुली सॉल्व करते हैं, आई वांट टू लर्न इट, आ जाओ मेरे पास, 10-12 साल लगेंगे सिखा दूंगा, मुझे भी इतना ही लगा है, बहुत आसान है। नहीं मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं सर। 1.045 गीगाहर्ट्ज क्या यूज हुआ नहीं समझा है वो मैडम, यूज के लिए नहीं मैंने समझाया था, वो आपको क्या समझाया था, ये समझाने के लिए कि कैसे फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती हुई नजर आ रही है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी। क्योंकि होता क्या है ना, नैनो सेकंड में जब हम यू नो क्लॉक के टाइम की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट समझ आता है, क्लॉक के टाइम में लगेंगे तो रिजल्ट समझ आता है नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में समझ आ रहा होता कि कितना इंप्रूव होगा, है ना। चिरंजीवी पूछ रहे कितना पैसा लोगे, मैं पैसा दूंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ट्रेनिंग आपकी चल रही है, कुछ काम तो मेरे लिए भी करोगे ना, मैं उल्टा पैसा दूंगा आपको, पर अभी आपको पहले उस काबिल बनना है ना, अभी उस काबिल बनना है, ऐसा ना हो कि आपके आने से बजाय फायदे के नुकसान होने लगे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए। डन, खैर ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट मैं फिर भी, चलो आपने ऐसा पूछा तो इसलिए बताता हूं। होता क्या है ना कि सही जगह आप काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो, तो बहुत सारी चीजें खुद में खुद अपन सीख रहे होते हैं। जैसे मुझे पता नहीं आप में से कुछ लोग पुराने होंगे, मेरा एक स्टूडेंट था जतिन, जो टेलीग्राम पे भी शायद कुछ वीडियोस वगैरह डालता होगा, है ना, उसका गेट में इतना अच्छा नहीं हुआ था पेपर, बिकॉज यू नो हो जाता ना कभी कभी, प्रिपरेशन अपनी ठीक ठाक होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, डर गए, घबरा गए, सिली मिस्टेक्स हो गई, है ना। और वो पिछले 3-4-5 महीने से मेरे साथ एसोसिएटेड था, लेकिन फाइनली उसका IIIT दिल्ली में हो गया है, क्योंकि 4-5 महीने से रेगुलर पढ़ाई भी चल रही थी, नहीं भी होती तो मैं उसे करवा देता था, उसका साल बच गया। अब आप समझ रहे हो उसकी रैंक कितनी थी, मेरे को नहीं पता, 3-4 हजार रही होगी, बट उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उसका साल बच गया, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आपको अभी मुझे नहीं पता समझ आ रहा है कि नहीं, बट एक साल बचने की क्या कीमत है ना। तो ये होता है पढ़ाई के टच में बने रहना या सही जगह सही गाइडेंस में रहना। चलिए खैर, बाकी तो उसकी एफर्ट है। हाँ, IIIT दिल्ली में हो तो मान लीजिए 20 लाख का पैकेज तय, अब बस बिना फेल हुए मेहनत करके 2 साल और जिंदगी सेट हो गई। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे, इतना मतलब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, मैं आपको वही समझाता हूँ, ये कोई मैं आपको कोई वर्चुअल सपने दिखा रहा हूँ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, बस धीरे 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 करते रहोगे पेशेंस के साथ तो हो जाएगा काम। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट दिस, गेट 2013 2 मार्क, नहीं उसने दोबारा एग्जाम दिया, मैं बताऊ ना गेट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ था, उसने IIIT का दोबारा से एग्जाम दिया, कुछ कॉलेजेस का आता है। यस, जरा ये क्वेश्चन देखिए, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क के अंदर, इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, एंड इट्स अ क्वेश्चन विद ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पोल भी चलाता हूँ, फिर जो डाउट कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। ट्राई किया आप लोगों ने, थोड़ा सा टफ लगा कि आसान लगा, बताओ। पहली बार में स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन की ब्यूटी सिर्फ तब तक है जब तक वो सॉल्व ना हो, एक बार सॉल्व हो गया तो फिर क्या मजा उसका, इजंट इट, तो वो मजा आपको उठाना है, वरना वो मजा मैं आपसे छीन लूंगा जब यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, जब वो क्वेश्चन आएगा तब बात करिएगा। शुभम आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, जो क्वेश्चन सॉल्व अभी जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो अभी वो आ गया या आएगा आगे, ये बताओ। शुभम यही है, तो
एक क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन ऐसा बोलो, सर मैंने नोट्स कॉपी में नहीं बनाया है, आपका पीडीएफ है मोर देन सफिशियंट है, मैंने खुद अपने नोट्स नहीं बनाए हैं। आपने क्या सर, इज इट ओके व्हेन गिव सफिशियंट एफर्ट ऑन क्वेश्चंस एंड देन चेक सम सॉल्यूशन इन देन 100? मोर देन ओके, मोर देन ओके। पहले आप 10-15 मिनट लगाओ, फिर देखो बाजार में क्या हो रहा है, फिर चेक करो ना, गूगल करो। मैं कब मना करता हूँ, गूगल करो। नहीं भी हो रहा तो फिर गूगल पे देखो लोग क्या सोच रहे हैं। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% इंप्रूव होगी। 100% देखिए, नहीं भी देखना तो देखना शुरू करिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा मैं इतना रेस्ट कर रहा हूँ, आप 1 मिनट का टाइम लो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। मैं थोड़ा चिल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि चश्मा लगा के स्टाइल नजर आ रहा है बट दिख कुछ नहीं रहा। आप क्या कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पढ़ने के लिए क्या इसके ऊपर चश्मा लगाऊं कि क्या करूं, हे भगवान। चलिए बिलाल सही दिए क्या, कोई सिंगर वगैरह है? आई हैव सीन पीपल हु वर कम्युनिस्ट व्हेन दे वर स्टूडेंट एंड बट दे स्टार्टेड अर्निंग दे वर अगेंस्ट कम्युनिस्ट। या किस चक्कर में लोगे सुबीर यार, छोड़ दो इस बात को, मैं जो करना कर लेना। मेरा काम है अपने हर बच्चे को, मेरा काम है अपने हर बच्चे को जबरदस्त लेवल पे पहुंचाना, बस इतनी बात है। उसके बाद तुम्हें जो मन करे कर लेना, ठीक बात। अच्छा पाकिस्तानी सिंगर है, ओके। क्या क्या ऑप्शंस आए हैं सर, इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन ए इज 11% एंड 76% एंड 10% एंड देन 4%। फेयर एनाफ। आईआईटीज 100% देती हैं सर, आईआईटीज भी देती हैं। चलिए फिर वही बात आगे, खैर थोड़े सपने भी बुनने चाहिए। इतना वैसे आप करो, इतना आप करो कि जितने भी आईआईटी हैं उनकी इमेज जो है एक एक आप प्रिंट आउट निकाल के अपने कमरे में लगा लो, इतना करना चाहिए। कितना स्टाइफन मिलता है वो भी लिख के लगा लो। ऐसा ऐसा होता है क्या? कैंपस टूर का वीडियो डाउनलोड कर लो, सही बात है, उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, जितना भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। हाँ वॉलपेपर लगाओ, बहुत अच्छी बात है। जैसे ना यूपीएससी की तैयारी करते बच्चे एम्बेसडर की फोटो लगा लेते कि भाई गाड़ी मिलेगी, बंदूक मिलेगी, ऐसा। हाँ फिर लो उसका सपना देखो। हाँ लबासना, ये जो भी इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है ना, उसको फोटो लगाते हैं, ठीक बात है, आप भी लगाइए। चलिए ये सोचिए 25 लाख का पैकेज मिलेगा, करोगे क्या बे? पेटीज खा लोगे, कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, एक आध जगह घूम लोगे, करोगे क्या? आपसे खर्च नहीं होगा, घर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। केजीवाईटी में शेयर खरीदेंगे, ओके। इसका मतलब मुझे इन्वेस्टर भी मिल रहे हैं, गाड़ी भी लेंगे। चलिए खूब सारा खर्चा करना बट सेविंग भी करना है ना। चलिए ओके, इधर आ जाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं। कहता है यार, सुबीर मानेगा नहीं यार। ओके मैं दोबारा कोशिश करता हूं। कहता है कंसीडर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विथ 5 स्टेजेस
विदाउट एनी ब्रांच प्रिडिक्शन। तो ब्रांच प्रिडिक्शन जो एक कंसेप्ट मैंने कल आपको बताया था, याद है? ब्रांच प्रिडिक्शन एक कंसेप्ट बताया था, हाँ। तो उस तरह का कोई आइडिया नहीं है। फाइव स्टेजेस है, फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड राइट ऑपरेंड। ओके, तो लेट मी राइट देम डाउन। इंस्ट्रक्शन, फेच इंस्ट्रक्शन उल्टा लिख रहा है, अच्छा, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। समझ लेंगे बाद में किसका क्या मतलब है। डिलेज भी बता रखे हैं, 5 नैनो सेकेंड, 7 नैनो सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड, 8 नैनो सेकेंड एंड 6 नैनो सेकेंड। चलो यहां तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी घबराहट की बात नहीं है। आगे पढ़ता हूँ। देर आर इंटरमीडिएट स्टोरेज बफर्स आफ्टर ईच एंड द डिले ऑफ ईच बफर इज 1 नैनो सेकेंड। बहुत टाइम के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा बफर वाला, बट आप जानते हैं इससे में कोई समस्या आई क्या? नहीं, प्लस वन कर लेने का और क्या है। तो हर किसी में अगर 1 1 का डिले है तो प्लस वन करो, 5 + 1 = 6, 7 + 1 = 8 एंड 11, 10 + 1 = 11, 8 + 1 = 9 एंड 6 + 1 = 7। ओके, यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ता हूं, यहां से शायद रियल क्वेश्चन स्टार्ट हो। कहता है अ प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूटिंग 12 इंस्ट्रक्शन I1 से I12 तक आर एग्जीक्यूटेड इन दिस पाइपलाइन प्रोसेसर। कह रहा है टोटल 12 इंस्ट्रक्शन ने गिनती की। अब आप तौर पे आप देखते हैं कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो जनरल एनालिसिस करते हैं एवरेज, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे जनरल एनालिसिस करे बिना क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू पे बात करेंगे? जी हाँ, I1 से लेके I12 तक। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कहता है इंस्ट्रक्शन I4 इज ओनली ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड इट ब्रांच टारगेट इज I9। वाह, बता भी रहा है रिजल्ट। कहता है I4 से ब्रांच होगा और कहां जाएगा? I9 तक जाएगा। इफ द ब्रांच इज टेकन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अच्छा, इफ द ब्रांच इज टेकन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि एग्जीक्यूशन होगा इन नैनो सेकेंड नीडेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करने में कितना नैनो सेकेंड लगेगा? तो दो तीन अलग अलग कंसेप्ट हैं इसके, एक एक करके बात करूंगा। पहली बात आपसे पूछूंगा वो ये कि भाई साहब मुझे बता दो किस स्पीड से प्रोसेसर चलाऊं, वो तब आप मुझसे बेहतर जानते हो। किस स्पीड से प्रोसेसर चलाऊं, प्लीज टेल मी दैट। 11 नैनो सेकेंड। ये बात सबको समझ आती है क्या? क्योंकि भाई जितने भी स्टेजेस है उन सब में सबसे लार्जेस्ट टाइम जो है वो 11 नैनो सेकेंड ही है। ठीक है, अब मैं, मुझे मौका मिला है तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको अलग अलग पैटर्न से एक बार ऑब्जर्व कराता हूँ। जैसे कुछ लोग बोल रहे थोड़ा ट्रिकी भी था, ये डेटा कुछ ज्यादा काम आएगा नहीं, इसे भूल जाता हूँ। अब आप मुझे बताओ, मैं एक काम करता हूँ, बस एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसके बाद आगे की बात आपसे बाद में पूछ लूंगा। या चलो पहले मैं दो के बीच में कंपेयर करके पूछता हूँ, फेच एंड देन डिकोड एंड देन ऑपरेशन, ऑपरेंड फेच एंड देन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड देन राइट। इसने बताया नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना पुराना भी नहीं है, वैसे 13 का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे, बस मैं इतना आपसे जानना चाहता हूं कि I4 तक तो हम सीक्वेंस में आएंगे, यस और नो? किसी को कोई डाउट है इसमें? I4 पे कोई खेल है नहीं। बस मुझे बता दो, जब मैं I4 से I9 पे जाऊंगा तो मुझे कितना स्टॉल भरना है? बस एक चीज मुझे समझा दो, मैं शायद बात का क्वेश्चन पकड़ लूं। ये बात समझ आ रही है क्या? एक स्टॉल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अच्छा, तो मैं एक बात क्लियर कर लूं, हो सकता है बाद में किसी को डाउट हो, कि आप मुझे ये बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के बाद राइट ऑपरेंड वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अगला इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चालू कर देंगे, बस ये मुझे बता दो आप। ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात इसने क्वेश्चन में लिखी? बताओ मुझे, क्या ये बात इसने क्वेश्चन में लिखी? नहीं। फिर आप कैसे समझ गए? एक्सपीरियंस है आपको एक क्वेश्चन का, वहां तो उसने क्लियरली बताया था, लेकिन एग्जीक्यूशन जब इंस्ट्रक्शन हो ही जाएगा तो पता लग जाएगा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, उसके लिए राइट ऑपरेंड का वेट करने की जरूरत है कि नहीं है? उसके लिए राइट ऑपरेंड का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बता दो एक बार, यस मुझे बताओ ये कि कितना स्टॉल लगा आपको? 3 स्टॉल लगा। अब मैं पहले आपसे डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आंसर पकड़ में आता है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर स्टॉल ना होता तो ओवरऑल की इंस्ट्रक्शन कितने हैं? 1 2 3 4
एक दो तीन चार, 12 नहीं है समझो, क्योंकि 12 तक तो रन करना नहीं ना, 4 से सीधा 9 पे जाना है। एक दो तीन चार, 9 10 11 12, क्या ये बात समझ आती है आपको? है टोटल 8 इंस्ट्रक्शन हुए ना भाई। अच्छा, पाइपलाइनिंग में 8 इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए कितना लगता है? फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला है सर m+n-1। यस, नाउ व्हाट इज m? m इज द नंबर ऑफ स्टेजेस, इट्स अ 5 स्टेज पाइपलाइन। व्हाट इज n? नाउ n इज नॉट 12 बट प्रैक्टिकली n इज 8। यस, 8-1, सो दिस टर्न्ड आउट टू बी 5+7, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12। सही बात है। एक में कितना समय लगता है? 11। ये बात ऑब्जर्व कर पा रही? या मैं एक सेकंड रुक जाता हूं, यहीं रुक जाता हूं। कितना क्लॉक लगा? 12। आप अगर मुझे अलाउ करो तो यहां +3 कर दूं, और क्या कराओगे मुझसे? एक्सक्यूज मी, +3 कर लेते ना, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? भाई 3 स्टॉल लगे ना बस, और क्या करना है? तो अगर सीक्वेंस में करता भाई तो 12 लगते, +3 किया तो कितने लग गए? 15 लग गए। अब कर लो 11 से मल्टीप्लाई, 11 ही था ना, 11 × 15 आ जाएगा 165। ये हो गई मिनटॉस जिंदगी। आप चाहोगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके भी दिखा दूंगा, बट इससे ज्यादा समय लगना नहीं है इसमें। आप बताएं, गौर कर पा रहे क्या इस बात पे? नित्या कह रही है सर 4 स्टॉल ना, FI का भी तो स्टॉल है ना। FI का कौन सा स्टॉल है? FI तो रन कर गया ना, हम तो 3 जगह रुके ना, 1 2 3, 3 पेनल्टी खाई हमने। शुभम कह रहे हैं 3 क्यों हो रहा है, 4 होना चाहिए। मुझे बताओ ना 4 कैसे? आपने कुछ बनाया होगा, कुछ भेजा होगा, कोई पिक्चर विक्चर भेजो, मैं चेक करूं। अच्छा एक सेकंड, नित्या आप क्या मुझे ये कह रहे हैं कि ये FI के जो नीचे वाला स्टॉल ऐसे भी काउंट करूं? अगर मैं जज होता तो आपको उम्र कैद की सजा देता, वो भी यू नो कैदे बामुशक्कत, जिसमें पत्थर वत्थर भी तुड़वाए जाते हैं आपसे। अरे भाई एक बात बताओ यार कि इंस्टॉल मतलब क्या? जब मशीन खाली हो या हमें वेट करना पड़े? क्या जब FI काम कर रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन रन है, तो आप रन कर सकते हो क्या? मुझे बताओ यार, एक बार तो खिसकना ही पड़ेगा, वरना नित्या तो मुझे लगता है कि 5 में पूरा गेम ही ओवर कर देगी। फिर उसके नीचे लिखते चले जाओ, एक के नीचे नहीं, एक आगे कैसे जाएंगे भाई? नित्या क्या आप पाइपलाइनिंग की सारी क्लास अटेंड कर रहे हो? एक मिस हुई है समस्या, नॉर्मली समस्या कह रही है। अरे गुप्ता जी क्यों आए तुम यहाँ पे क्लास पे यार, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। Why are you here? भाई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको वॉइस पे लें, आइए अपना हैंड रेस करिए जरा। जतिन गुप्ता जी जस्ट आपकी याद आई, हमें भी आपकी याद आ रही थी भाई साहब, टेलीपैथी काम करती है। अभी हम बच्चों से आपकी बात कर रहा था, विश्वास मानिए मेरा। दो मिनट बात करना चाहेंगे, अभी हमारे पास नया फीचर आ गया है। चलिए गुप्ता जी की आवाज सुनिए। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो जतिन, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया, बताओ भाई कहाँ एडमिशन हो गया आपका? सर अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। कैसे हुआ आपका एडमिशन? यूजिंग गेट स्कोर के थ्रू ही हुआ सर। गेट स्कोर के थ्रू ही हुआ है? गेट स्कोर प्लस बीटेक परसेंटेज भी वो अपने क्राइटेरिया में लेते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये अपने कंफ्यूजन था, और ये क्या बोलते हैं कि क्या पूछ रहा था मैं, कोई रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू? सर इस बार नहीं हुआ, वैसे रिटन टेस्ट होता है, मतलब पिछले साल तक होता था, 2019 तक उन्होंने लिया है,
बट जब से कोविड की सिचुएशन आ गई है तो तब से उन्होंने कैंसिल कर दिया अभी रिटर्न टेस्ट। पूछ रहे हैं कि आपके 12th में कितने परसेंट था, स्कोर कितना था और रैंक कितनी थी, सब बता दो। 12th में तो 93.2% थे। तेरी ऐसी तैसी। 12th में 93% ओके। और बीटेक में सर? बीटेक में अभी 87 पॉइंट है कुछ, मतलब। बीटेक में कम कैसे हो गए भाई? सर वो मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, मजाक कर रहे हो और बहुत ज्यादा है। और गेट में कितनी रैंक थी आपकी? सर गेट में मेरी रैंक 3700 थी। 3700 थी। उस समय आप थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि गेट में रैंक कम रह गई है ना, इसलिए मैंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दी थी अगले दिन से, मतलब 15 फरवरी से फिर से शुरू कर दी गई थी 2022 में अच्छी रैंक और इससे बेटर रैंक लानी है, जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार के मतलब और अच्छी चीजें करनी है, तो वो ये था प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मैंने 2022 के लिए। बट फिर लकीली यहाँ पे IIIT दिल्ली में आ गया एंड पता भी है मतलब ऑलरेडी मतलब सीनियर्स को जानता हूँ मैं जो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब एमटेक कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बार यार इन्हें आप सीनियर्स को भी जानते हो ना, एमटेक कर चुके हैं, इनको बच्चों को बताओ जरा कितना पैकेज मिल जाएगा अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो। सर जो मतलब जिनसे मैंने सीनियर से बात करी थी उनका उस टाइम पे 2017 एंड 2018 के सीनियर थे, तब उनका 17-18 लाख के आसपास लगा था क्वालकॉम, एक दीदी का क्वालकॉम में लगा था एंड एक का सैमसंग में लगा था। 17-18 लाख और ये बात है 2018 की? यस सर, एक 2017 की क्वालकॉम में, 2018 में सैमसंग में। अब आप पास आउट हो गए 2023 में? हाँ 2023 में। तो इसका मतलब 2025 तो मान सकते हैं? हाँ इतना एवरेज ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा वेबसाइट पे उनके स्टैट्स प्लेसमेंट स्टैट्स देखे तो हर ईयर इंक्रीज ही होता जाता है, मतलब हर ईयर 1-2 लाख एवरेज पैकेज इंक्रीज हो रहा है। कल मैं बता रहा था इन्फ्लेशन वही वाली कहानी है। अच्छा एक बात और बताइए कि आपकी रैंक आपके मार्क्स कितने थे गेट में? सर गेट में 40.35 थे। वेरी गुड वेरी गुड। और आप डिमोटिवेट नहीं हुए जब आपके 40 मार्क्स ही आए? आपने ऐसे हिम्मत कैसे जुटाई कि अगले दिन फिर से प्रिपरेशन करो? सर डीमोटिवेशन तो वो फेब्रुअरी वाला पूरा मतलब मंथ ही था, बट ट्राई तो करना था, मतलब ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते, अपन कर तो सकते हैं बट वो छोटी छोटी जो सेली मिस्टेक्स होती है ना, वो सेली मिस्टेक सारे मार्क्स आ गई, मतलब वही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी करा हुआ है वो क्वेश्चन, बट वही है मतलब वो गलत हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आया था सेट वन में ही था, स्टार्टिंग में ही था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था मेरा वो, तो उसमें था टैग बिट्स बतानी थी कितनी है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो तो ठीक है, मतलब सर ये गलतियां मतलब वही है कि जितनी कम से कम कर सकते हैं उतना ही ज्यादा बेटर है। मतलब बच्चे पूछ रहे हैं आप जनरल कैटेगरी से ही है ना? यस सर जनरल कैटेगरी से ही है। देख लो बाप। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ भाई। भाई लोगों इंटरव्यू नहीं हुआ इस बार, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ है। अच्छा ये एक बात और बताओ कि यार लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना कितना जरूरी है जतिन? सर वो तो मतलब लास्ट में क्या मतलब अभी भी जैसे सब्जेक्ट्स जो कवर जैसे अभी टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो उसमें भी साथ साथ करना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड के लिए उसे छोड़ दे, तो फिर टेस्ट सीरीज वगैरह हम सॉल्व करते हैं वो हो गया, मतलब पीवाई की तो साथ के साथ ही करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करने का क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा होता हूँ, सबसे पहले तो सर कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब एक टॉपिक हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, मतलब एक तरीके से आपने जैसे एक पहली क्लास में इंट्रोडक्शन बता दिया उसका कि ये चीजें हैं, एंड जब उसका फिर बारे में उसके फिर जब गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है सबसे पहले तो कि यस मतलब जो हमने पढ़ा है वो एकदम अच्छा मतलब ठीक पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और कुछ मॉडिफिकेशन होने की जरूरत पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत कम चांस है, बट हाँ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है एंड इसके एंड इस मतलब जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं होमवर्क देता वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप? सर मोस्टली हो जाते थे बट हाँ कभी कभी तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करना है, वो कभी कभार तो रह जाता था, मतलब जैसे कभी कॉलेज के काम आ गए या कुछ और काम आ गए तो उसकी वजह से हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता था बट हाँ कभी कभार रह भी जाता। अच्छा एक बात और बताओ, इन सबको बस जानना है कि आपने ये क्या सेपरेट सारे नोट्स दोबारा से हैंड रिटन बनाए थे अलग से? सर मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर मई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने, तो मई जून जुलाई अगस्त तक मैं कह सकता हूँ मैंने नोट्स बनाए ही नहीं थे, मतलब वो मेरे दिमाग में ही था वो चीजें और मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे याद रहेगा वो एंड तक,
बट जब जुलाई अगस्त के टाइम पे मैंने वो जो मई और जून में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करी ना, तो मुझे वो ध्यान में आया वो सारे चीजें मैं भूल चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने कहीं लिखा भी नहीं है वो, तो मुझे वापस वो लेक्चर्स देखने पड़ते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो देखने पड़ते थे, एंड ये टाइम टेकिंग है, मतलब ये टाइम लेता है काफी ज्यादा, क्योंकि वही सेम चीज अगर मैं नोट्स पहले बना लेता तो मतलब एक लेक्चर अगर 1.5 से 2 घंटे गया तो वो 10 से 15 मिनट में नोट्स के थ्रू हो जाता, बट वही सेम टाइम मुझे अब 1 घंटा और लगाना पड़ रहा है उस लेक्चर को देखने के लिए, तो ये मेरा ये मतलब ये से कह सकता हूँ मेरा डिसएडवांटेज था कि मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे बट एंडिंग में फिर हाँ नोट्स बनाते चला था, एंडिंग में फिर नोट्स बना लिए थे एंड फिर रिविजन करते टाइम एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो ये जो PDF है जहाँ पे क्वेश्चन और थ्योरी में दोनों लिखता हूँ, ये कुछ काम आया आपके? यस सर, मतलब जैसे आप होमवर्क देते थे तो इसी में से क्वेश्चंस वगैरह देखने होते थे कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड और सितंबर के एंड में मैंने फिर PYQ बुक भी ले ली थी कि कभी कभार कुछ होता है कि 90% 90-95% क्वेश्चन तो कवर हो जाते हैं बट अपने पास एक वो क्या कहते हैं रेफरेंस बुक होनी चाहिए, मतलब हाथ में, मतलब वो ऐसे PDF में तो ठीक है बट जब बुक हाथ में आती है तो मतलब सॉल्व करने के लिए फिर वो ये टिक टिक करते रहो, आपके कौन से टिक हो गए मार्क क्या कहते हैं क्वेश्चन हो गए किसमें डाउट हो तो उसमें सर्कल कर सकते हो, तो ये सब चीजों का फायदा होता है बुक में। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कितना यूज हुआ गेट में? सर कॉम्पिटिटिव मतलब गेट में प्रोग्रामिंग का ये मतलब ऐसे तो लिखना तो कोड होता नहीं है तो यूज भी ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं ना उसमें मेन चीज क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी इंक्रीज होती है, ये चीज हर जगह काम आती है, ये जाते हो तो गेट के क्वेश्चन में भी काम आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये तो उल्टा भी हो सकता है ना, गेट के क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम आ सकती है। हाँ ये दोनों मतलब दोनों चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली एक हुआ। तो लाइक अभी गेट के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर प्रेशर है तो क्या हमें यू नो टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग कोडिंग इन सब में अलग से कुछ एडिशनल टाइम देना चाहिए? सर इसका मतलब इसका जो आंसर है मतलब सब्जेक्टिव है, डिपेंड मतलब हर पर्सन पे डिपेंड करेगा, बट मैंने तो मतलब इसके अलावा गेट के अलावा और कुछ नहीं करा था, और बस इंटरव्यूज वगैरह जो हो रहे थे कंपनी जैसे जो अगर जुलाई अगस्त से कंपनी आना शुरू हो गई थी तो उनके लिए बैठा था बस, और उसके लिए भी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि हम यहाँ पे गेट के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ी रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी वो जनरली यही पूछते थे, सबसे पहले तो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होता था एंड देन फिर कोडिंग बेस्ड टेस्ट होता था, उसको क्लियर करने के बाद फिर हमारा जब इंटरव्यू होता था तो उसमें मोस्टली वो सब्जेक्ट्स जो हमारे गेट के हैं उसी से के थ्रू पूछते थे, सबसे पहले तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हो गया एंड देन फिर DBMS में SQL वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वो SQL के क्वेश्चन तो मुझे मैंने 5 to 6 इंटरव्यूज जीते सब में पूछा होता है SQL का पार्ट, एंड फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर पूछा था। तो क्या आप ये बोल रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये प्लेसमेंट्स में भी काम आएंगे? यस सर बिल्कुल काम आते हैं ये, क्योंकि जो वो पूछते हैं वो जनरली मतलब इतना मतलब अगर कहते हैं जैसे DSL का एग्जांपल दूं तो जब मेरा जो क्या कहते हैं कॉग्निजेंट का इंटरव्यू था तो उसमें मुझसे बोला गया था कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का डिफरेंस बता दो एंड पूरा कोड एक्सप्लेन कर दो, एल्गो एक्सप्लेन कर दो एक तरीके से एंड देन फाइनली लास्ट में कोड भी लिखवाया था। तो मतलब जैसे जो हमने एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ी हैं बाइनरी सर्च हो गया लीनियर सर्च हो गया या फिर DP के प्रोग्रामिंग के एल्गो हो गई या GD टेक्निक हो गई डिवाइडिंग कंकर हो गए, तो हाँ उनको कोड तो करना ही चाहिए, मतलब उनको कोड करेंगे तो मतलब वो इंटरव्यू के लिए अपने आप वो तैयारी हो जाती है। अच्छा एक और अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ और एप्टीट्यूड आपने कैसे किया और कैसे मतलब एजुकेटर्स फॉलो किया कैसे मैनेज किया जो नॉन टेक सब्जेक्ट हो गए हमारे? मेरा मैथ पेंडिंग रह गया था तो ये बताना चाहता हूँ, मेरा मैथ पेंडिंग पूरा रह गया था तो मैं मैथ नहीं कर पाया था लास्ट। मैथ्स मतलब मैथ्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं टच किया, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं करा, मतलब ट्राई करा बट सर नहीं हो पाया वो लास्ट। गुड। और लास्ट में अभी जनवरी में मुझे ध्यान है सौरभ ठाकुर सर है उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन करा था तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 12-13 क्लासेस ली थी यूट्यूब पे ली तो वो काफी फायदेमंद रही कह सकता हूँ उसमें से, मतलब अगर एप्टी में से 7-8 नंबर का भी आया था तो 5-6 नंबर तो उसी में से आ गए थे, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट बताए थे उनसे ज्यादातर क्वेश्चन आए थे तो उसका भी बच्चे देख सकते हैं, मतलब अनअकैडमी पे सौरभ ठाकुर सर का कोर्स ऑलरेडी हो चुका है 2 पार्ट। स्ट्रीम कौन सा मिला आपको एमटेक एडमिशन में भी? सर अभी तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, अभी तो एमटेक सीएससी है सर, उन्होंने बोला है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, तो ये मुझे बेटर लगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट और योर मार्क्स डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट प्लस मार्क्स, और तो मतलब आपने जस्ट
अभी हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, अभी डिफरेंट पूल से डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं अपनी स्ट्रीम ले सकते हो, स्पेशलाइजेशन वाला जो पार्ट है। अभी ट्रिपल आई टी दिल्ली में टोटल चार स्पेशलाइजेशन है, एक तो फर्स्ट है डेटा इंजीनियरिंग, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज मोबाइल कंप्यूटिंग एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और ट्रिपल आई टी दिल्ली में सर एक बार और भी बेटर मुझे लगी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक सेकंड सेमेस्टर के लिए जो स्ट्रीम चूज जो स्पेशलाइजेशन चूज कर लोगे तो थर्ड सेमेस्टर में हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार जो ले लिया तो वो अगले दो साल तक वो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई? आपको पीएसयू में नहीं जाना? नहीं सर, अभी पीएसयू हुआ तो नहीं सोचा, और पीएसयू के लिए भी सर अभी जैसे अभी आया है, अभी जैसे बाबर एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दो दिन पहले कल या परसों ही आया सर फॉर्म, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी कोई अभी वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर साइड में ही जाना है या फिर इधर ही जाना है, जैसे अभी जिंदगी चल रही है चल रही है। सिलेबस कितने टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था आपने? सर मैंने नवंबर तक कर लिया था और प्लस मेरा टीयूसी और मैथ्स पेंडिंग था और वो मैं नहीं कर पाया था, बट एंड पर बाद में दो महीना काइंड ऑफ आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हाँ यस सर, वो टेस्ट सीरीज में टाइम चला जाता था। और क्या अभी आपने कैंपस विजिट किया है आईआईटी दिल्ली? नहीं सर अभी नहीं करा, क्योंकि अभी उन्होंने पहले बता दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन है। अच्छा, पूरा ऑनलाइन है। हाँ, एंड सेकंड सेमेस्टर का उन्होंने बोला कि हम अक्टूबर में आपको बताएंगे। अच्छा, एक और बात कि जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी हमारे पास है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, हाँ वो सफिशियंट है या उसके अलावा और 5-6 टेस्ट सीरीज और ले लें? सर 5-6 टेस्ट सीरीज तो नहीं, बट दो चलती है, मतलब मैंने देखा है जो टॉपर्स भी इस बार थे, मतलब जो मेरे दोस्त थे साथ में, बट मैंने तो एक ही ली थी, मैंने लास्ट टाइम मेडी जी की ली थी। बट हाँ, जो मतलब जो टॉपर्स वगैरह से जो मेरे दोस्त हैं उन सबसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मतलब उन्होंने टू मिनिमम दो टेस्ट सीरीज तो ली थी सब। और आप दिन में कितने टेस्ट सॉल्व करते हो, कितने समय तक आपने ऐसा किया? सर अप्रोक्सीमेटली 2 महीने चला था ये, दिसंबर और जनवरी वाला पूरा मंथ। दिसंबर जनवरी पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग? हाँ पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्टेड टोटल मेड इजी की जो मैंने लिया था उसमें 50-55 टेस्ट अप्रोक्सीमेटली थे। तो बट हाँ ये भी था कि लास्ट में जो 3-3 घंटे वाले टेस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको उसको एनालाइज करने में टाइम भी काफी जाता है। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट लिखा फिर अगला टेस्ट लिखा फिर अगला टेस्ट लिखा, ऐसा नहीं होता, मतलब कोई यूज नहीं है फिर उसका, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 30 मिनट का भी टेस्ट हो गए तो उसमें भी अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसको भी आपको मतलब नोट डाउन करना चाहिए ताकि मतलब फ्यूचर में वो गलतियां ना हो। और काफी रोज कितना टाइम पढ़ते थे आप? 6-7 आवर सर निकल जाते थे क्योंकि लास्ट में कॉलेज का इतना ज्यादा प्रेशर था नहीं, तो 6-7 ऐसा कुछ टाइम लिमिट थी नहीं सर लास्ट। और लाइव कितनी क्लासेस आप लाइक जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो लाइव क्लासेस कितनी अटेंड करते थे? दो ही क्लासेस होती थी उस टाइम पे, तो मतलब उस टाइम पे ज्यादा सर ज्यादा थे नहीं, तो दो ही चलते थे तब तो, हमारे 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होते थे, अब तो 2-2 घंटे के हो गए हैं। लाइव दो ही चलते थे एंड बाकी किसी और टीचर का देखना हुआ तो फिर वो मैनेज करना पड़ता था अपने हिसाब से, किसी एक का रिकॉर्डिंग देख लो या कैसे भी मैनेज करना है वो अपने हिसाब से टाइम का। चलिए जतिन, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से होता है ना कि हम जो कहानी सुनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है, लेकिन अगर रियल स्टोरी सुनने के लिए मिले तो उसमें बहुत अच्छा। अच्छा यार, ये इनको जरा पूछना है, स्टाइपेंड और फीस और बता दो भाई। स्टाइपेंड तो सर अभी मतलब उन्होंने बताया नहीं है सच कुछ, बट हाँ जो नॉर्मल जो आता है AICTE से 12,400 का है, प्लस जो हमारे उन्होंने ये बताया कि टीए एज अ टीए काम करना पड़ता है टीचिंग असिस्टेंट की तरह किसी प्रोफेसर के अंडर, और क्या कहते हैं वही हमें साइन करेंगे एंड देन हमें सब्जेक्ट चूज करने होंगे कि कौन सब्जेक्ट चूज करने हैं, कि किस सब्जेक्ट पे हम काम कर सकते हैं एंड उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, लाइक सपोज असाइनमेंट चेक करना या फिर फाइवा लेना बच्चों का या फिर इस ऐसी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जब स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। अभी अभी आपने अपना कोई रिसर्च एरिया डिसाइड किया या अभी एक्सप्लोर करोगे? पहले अभी सर एक्सप्लोर करूंगा पहले। बहुत अच्छे, ऑल द वेरी। अच्छा फीस और बता दीजिए, फीस कितनी है? फीस सर काफी कॉस्टली है कह सकते हैं, बट हाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी उसका बेटर है। फीस अभी मैंने पे करी है 1,65,000 पर सेमेस्टर। लेकिन ये मैं बता दूं बाकी लोगों को भी, दैट इज ओनली फॉर IIITs, क्योंकि IIITs पूरी तरह गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, इसका पार्ट प्राइवेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। हाँ लेकिन मतलब कम्प्लीटली गवर्नमेंट नहीं है ये।
हाँ ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि अगर एनआईटी में होंगे, मेरे को आइडिया नहीं, बट शायद एनआईटी में एक सेमेस्टर की फीस 50-60,000 ही होगी। एनआईटी में तो वो जो स्टाइपेंड मिलता है उसी से पूरी फीस चली जाती है, तो वो एक तरीके से बराबर हो जाता है वो। स्टाइपेंड में ही आप फीस दे सकते हैं। बट ऑब्वियसली कि अगर फीस नहीं भी और आपका एडमिशन हो गया तो किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। यस सर, अभी जो उसमें था SBI और PNB का था, उसमें जो उनकी वेबसाइट पे था, मतलब कॉलेज वाले ही लोन भी मैनेज करा रहे हैं अगर बच्चे को फाइनेंशियल इशू है तो। उनका बैंक से टाई अप ही है कि मतलब कुछ भी मतलब जल्दी से जल्दी लोन सैंक्शन हो जाए और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उस लोन की, तो उनका है। ऐसी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी है सेम। अभी मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी सर रिजल्ट का वेट कर रहा था, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली का अगर एडमिशन ही लेता तो यहाँ सीट चली जाती सर। तो अभी क्या यहाँ पे छोड़ के वहां भी जाने का प्लान है अगर हैदराबाद भी होता है तो? क्योंकि अब तो फीस जमा हो गई ऑलरेडी एंड 1,65,000 जमा हो गए एंड रिफंड का भी ऐसा कुछ नहीं है, रिफंड में भी 10,000 ही आएंगे वापस 1,65,000 में। और आप दिल्ली के ही हो तो आपके लिए सुटेबल भी है। हाँ सुटेबल भी है वो दिल्ली में। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मजा करिए। और अब ये जो आपको ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो मैं आपसे बच्चों को पूछ रहा था, ये जो 2 साल है ये आसान होने वाले कि मुश्किल? सर काफी मुश्किल है एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली का तो मतलब जैसे सीनियर से बात हुई है तो उन्होंने जब मैंने पहली बार मैसेज करा उन्हें कि मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया तो उन्होंने सबसे पहली चीज बोली कि अच्छे से वर्कलोड मैनेज कर लेना एंड नेवर क्विट। कई बार ऐसा मन करेगा कि कॉलेज छोड़ के ही भाग जाऊं, ये करना ही नहीं। और सर अभी हमारे जैसे 15 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही है एज अ रिफ्रेशर मॉड्यूल की तरह, तो 15 जुलाई से 8 अगस्त तक हमारी 2 सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस शुरू हो रही है। वो एमटेक के अंडर नहीं है, वो ऐसे है कि मतलब क्योंकि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते हैं तो सबको एक 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 लेवल पे लाने के लिए है। उसमें DSL को एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग कल से पढ़ाना शुरू करें। वेरी गुड, मतलब उसमें भी पूरा शेड्यूल आ चुका है ऑलरेडी, मतलब 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होंगी एंड उसके बाद शाम को फिर उन्हीं 2 सब्जेक्ट की 2 लैब है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, खासकर ट्रिपल आईटीज जो हैं और स्पेसिफिकली ट्रिपल आईटी दिल्ली। अभी डायरेक्टर कौन है? पंकज जलोटे शायद सर, रंजन दास सर हैं शायद। अच्छा आई रिमेम्बर, मतलब याद नहीं है मेरे को जैसे, बट हाँ उन्होंने अभी अभी इंडक्शन पार्ट चल रहा था तो उन्होंने अपनी स्पीच दी। लेकिन मैं बोलना ही चाह रहा था कि एफर्ट बहुत ज्यादा करना होता है और दिन में 10-11-12 घंटे कोई लिमिट नहीं, गेट में जितना प्रिपरेशन 6 आवर्स की है 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ही, बाकी जब कोर्स वर्क शुरू होगा तो फिर तो काफी ज्यादा होता है। चलो जतिन, ऑल द वेरी बेस्ट। कभी भी पढ़ाई के साथ ये बात करनी जरूरी है ताकि बाकी लोगों को बहुत सीखने के लिए मिले। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और बता दो, नॉलेज गेट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? बच्चे भी काफी अच्छा है सर, मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है मुझे। मतलब अगर एक दो जैसे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेटली जब अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का मेरा पेपर आ रहा था, 3 जुलाई को पेपर था अभी, तो मैंने सर से एक वीक पहले बोला था कि सर मैं अभी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा तो मतलब अभी पेपर के लिए मैं ज्यादा तैयारी करना चाहता हूँ, तो सर ने बोला सर इट्स ओके। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। करेक्ट। और कुछ सीखने को मिला पढ़ाई के टच में बने रहे? यस सर पढ़ाई के टच में तो हुई, जैसे अभी भी कुछ अगर जैसे कोई क्वेश्चन है, मतलब मैंने पेपर में तो छोड़ दिया था उस समय अगर मुझे नहीं आता, बट अगर अभी मुझे उस क्वेश्चन की वीडियो बनानी होगी तो मैं पहले पढ़ रहा था। अभी मैं TCP के बारे में पढ़ रहा था, अभी TCP का क्वेश्चन बना रहा था तो फ्रोजन बुक से कोई भी पढ़ रहा था। यस तो जब पढ़ाना होता है तो फिर प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल आपकी जाती जाती है। यस सर, और फिर वही है, मैं वीडियो में अभी कोशिश कर रहा हूँ कि रेफरेंस भी दूं, मतलब जहाँ से मैंने वो चीज पढ़ी है एंड बुक में कहाँ लिखी है, तो मैं साथ के साथ वो वीडियो में कभी अगर लगता है कि बता सकता हूँ तो मैं वो भी बता देता हूँ कि PDF इस PDF में यहाँ पे ये पेज नंबर पे ये वाला चीज लिखी है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच जतिन, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब अपना पूरा दिमाग जो है सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ और 2 साल के अंदर फिर आपसे एक बार दोबारा बात करके YouTube पे वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बताओ भाई लोगों, कुछ सीखने के लिए मिला आपको? मेरे ख्याल से कभी कभी इस तरह के डिस्कशन करना जरूरी होता है, isn't it? है ना? अब आप देखो, देखो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, isn't it? आप देखो कि गेट में जतिन के 40.3 मार्क्स थे और रैंक भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, 3700, isn't it? चलो ये हम पॉइंट मान सकते हैं कि 10-12 की परसेंटेज बहुत अच्छी थी,
सो इस बार शायद कोविड की वजह से टेस्ट नहीं हुए, डायरेक्ट मेरिट आई है, बट आपने उसकी बात सुनी कि 14th को मेरा एग्जाम हुआ, 15 से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैं क्लियर था कि 2022 में दोबारा एग्जाम लिखूंगा और उन सारी गलतियों पे काम करूंगा और फिर दोबारा अच्छे से परफॉर्म करूंगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को अभी यार मेरे पास इतने इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैं खैर आप लोगों से डिस्कशन कराया करूंगा, ये बहुत जरूरी है ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे और अभी अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, 2-3 महीने में फिर एक बार उसको कॉल लगाऊंगा, बोलूंगा, ये बोलेगा जतिन कहाँ फंस गया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है और टाइम लगता है चीजों को समझने में, यू नो, आगे बढ़ने में। और अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो घर भी रहना है, मतलब घर पे रहते हुए काम करना है तो कैंपस वाला एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता। डीटीयू में मैं बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए हमारे पास डीटीयू से बीटेक करने वाले बच्चे भी हैं, चलिए खैर, लेकिन कुछ लर्निंग आपकी हुई, कुछ सवालों के जवाब आपको मिले? अच्छा, जतिन क्यों आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप समझिए जतिन का सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद भी जतिन ने लंबा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कुछ ना कुछ चीज जानने के लिए, पढ़ने के लिए, यही सब बाद में काम आना है आपके। ये जो आपने पढ़ लिया ना, यही बाद में एमटेक में भी काम आएगा, ये बात समझिए। तो वो पढ़ाई के टच में जितना आप बने रहोगे, जितना टॉपिक रिवाइज करोगे, वही फर्दर, यू नो, हर सब्जेक्ट, कभी मैं नाम पूछना भूल गया, खैर अभी उसको खुद भी नहीं पता होगा, बट एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क्स, एडवांस एल्गोरिथम लाइक दिस एंड दैट, फंडामेंटल्स तो सेम है ना, वो थोड़ी चेंज होने हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस देखो इतना बड़ा फील्ड है कि आप किसी को 2 साल में मास्टर्स में भी क्या सब कुछ पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते ना। तो अगर आपको पहले से पता है, सर उनका कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी वो बीटेक में है, मतलब अभी जस्ट पास आउट हुआ है फाइनल ईयर में ही। तो पहले एक बात समझिए अगेन, जैसा अभी आपने समझा भी होगा कि कोडिंग आना इम्पोर्टेंट है लेकिन गेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें एक बार में दो चीजों को मिक्स नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है ये सब्जेक्ट्स और इनकी नॉलेज बस, बाकी सब चीज साइड पे रखो और आगे बढ़ते जाओ। और देखो एक बात याद रखना, इतना पढ़ना और इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की बात भी 40 नंबर आ रहे थे, यानी कि वहां पर कितना आपको प्रिपरेशन करने करके जाना पड़ेगा, यू नेवर नो कैसे सिली मिस्टेक्स हो गई। अब बोल रहा ना, अब आपने वो टॉपिक सॉल्व किया, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, सिर्फ टैग का साइज निकालना था, लेकिन भाई ने क्या क्या पढ़ लिया, टैग का साइज लिया, उसके बाद कैश लाइन से मल्टीप्लाई करके टोटल डायरेक्टरी का साइज निकाल दिया। वहां दिमाग ऐसे चलता है, बाहर आके आप सोचोगे क्या बेवकूफी की मैंने, लेकिन भाई वहां टेंशन इतनी होती है, लोड इतना होता है कि बस आदमी कर रहा होता है, कर रहा होता है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहले गेट लिखा है सेम टाइम के एक्सपीरियंस होंगे, बाहर आके लगता है ये क्या है। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ गेट का एग्जाम 3 घंटे का है ना, आप इस एग्जाम को 6 घंटे में कर दो, हर किसी के नंबर 10-20% बढ़ जाएंगे। टाइम भी तो अपने आप में एक प्रेशर है। यस यस यस, चलिए। और आपने टीओसी और मैथ भी किया है, सही बात। अच्छा एक और बात समझो, जैसे मैं बोलता हूं क्या कोई प्रिपरेशन परफेक्ट होती है क्या? नहीं है ना। तो जो बात मैं आप सभी बोलता हूं, किसी भी टॉपिक पे ज्यादा टाइम अपने को खर्च नहीं करना है, वरना किसी ना किसी दूसरे टॉपिक का आप समय खर्च कर रहे हो। और कोशिश ये करनी, ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं पूरा सब्जेक्ट नहीं तो कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा, बट फिर भी कोशिश ये करनी कि एग्जाम में कुछ छोड़ के ना जाए। अब देखिए 40 मार्क्स यहाँ पे है, अगर टीओसी अच्छे से पढ़ के जाते, टीओसी में 7-8 नंबर लाना कितनी बड़ी बात है, ये आराम से 45+ चला जाता, 50 भी जा सकता था, है ना। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक बहुत आसान है, मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, आप 2-4 क्लास देख के काम कर सकते हो, लीनियर इक्वेशंस इज वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डर लगता है, छोड़ दो उसे, अगर उससे डर लगता है तो, मैं तो अपनी बता रहा हूं, हो सकता है आपको आसान लगता हो, सीएसआईटी वालों के लिए वैसे भी सिंपल पूछता है। वेरी गुड, बिल्कुल पूछे सुदीप जी, आप तो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं।
चलिए सर, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सॉल्यूशन अच्छा, तो श्याम ने क्या किया, श्याम ने पूरा टेबल बनाया, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए बाकी लोग भी देखिए जरा ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने कैसे किया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन किया, सेकंड किया, थर्ड अच्छा ये ऐसे चल रहा है ना, आई एम सॉरी, आपने इसको इस तरह से बनाया है। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, और फिफ्थ हुआ या स्टॉल हुआ, वेस्ट हो गया। अब यहां देखिए आपने गड़बड़ करी है, गड़बड़ क्या करी है, अच्छा आप यहीं तक गए। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूशन में गया, ये आपने लाइन बनाई, आपको पता लग गया कि अब आपको क्या रन करना है, और ये बीच में आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए स्टॉल हो गया, 3 क्लॉक आपकी वेस्ट हुई, फिर आपने काम किया। इस तरह से भी काउंट करेंगे तो भी टोटल काउंट 11 चला जाएगा, टोटल 11 है, एक के लिए 11 लगता है, तो टोटल 165। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अच्छा आपका डाउट है, आई मिस्ड आउट लास्ट क्लास, शुड आई कंटिन्यू और वॉचिंग और रिकॉर्डिंग फर्स्ट। मैं तो कहता हूँ कि अभी आप देखिए, जो सीखना है कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, उसको सीखिए, उसके बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा, वरना होता ही है कि फिर वही मतलब वो और पीछे चलते चले जाते हैं, और पीछे चलते चले जाते हैं। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गेट 2006 टू मार्क क्वेश्चन है। क्या क्या डेटा लिखा है एक बार गौर करिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ओके, एबीसीडी चार ऑप्शन हमारे पास है। कुछ दिख नहीं रहा है, मीट रिफ्रेश करो भाई एक बार। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं मैं एक बार देखता हूँ, जो बच्चों के जिनके सब्सक्रिप्शन अभी एक्टिव और जिनके एडमिशन्स हो रहे हैं ना, मैं उनको बुलाया करूंगा प्लस क्लास के अंदर, उससे आप लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, एक की डेढ़ है तो चार की हो गई 6, लेकिन ये ट्रिपल आईडीज के बारे में सिर्फ है, थोड़े से कॉस्टली है। हाँ बिल्कुल, मयूर को बोलो वो आएगा, उससे भी बात करेंगे, और मैं तो सिर्फ ट्रांसलेटर हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस ही के ही जवाब। नहीं कोई बात नहीं, वो फिर सिर्फ गाइडेंस का करेंगे, उसमें कोई नहीं आएगा, पढ़ाई के साथ गाइडेंस होनी चाहिए। यार मैं ऐसे फॉलो नहीं करता, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन कहाँ पे, ना मुझे कंपनी के नाम याद रहते ना कॉलेज के याद रहते, कौन कहाँ गया, क्योंकि मेरा ध्यान होता है अगले बच्चों के ऊपर। न्यू आईडीज में मेरी अभी बात नहीं हुई है, मतलब किया तो होगा किसी ना किसी ने, बट मुझसे भी पर्सनली मैं क्या बताऊं, नंबर मैं देता नहीं हूँ, बच्चे इंस्टाग्राम पे पिंक करते हैं, वहां मैं देखता नहीं हूँ, तो बात होगी भी कैसे। मैं एक बार चेक करूंगा आज बैठ के। ये क्वेश्चन देखिए सर, फॉलो कर पा रहे हैं क्या, 5 स्टेज का पाइपलाइन, 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, क्या कहानी है, ऑब्जर्व करिए एक बार। गुड, मुझसे मिलना चाहते कैसे मिलना, क्यों मिलना चाहते मुझसे यार, मुझसे मिलने से कुछ नहीं होगा, आप समझो इस बात को, हालांकि जब गेट एग्जाम लिख लोगे उसके बाद मिलना। मिठाई के साथ मिलेंगे, ठीक है फिर, मिठाई मत फल लेके आइएगा, मिठाई से और दिक्कत हो जाएगी।
ओके अब यहाँ पर दे रहे हैं क्या क्या ऑप्शन है, दिस इज 7%, दिस इज 20%, दिस इज 69%, दिस इज 3%। चलिए एक एक करके, हाँ जा सुलवा खुद खाइए मुझे मत खिलाइए, चलिए एक एक करके चलते हैं, वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। अ सीपीयू हैज अ 5-स्टेज पाइपलाइन, 5 स्टेज का पाइपलाइन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है, तो चलो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, बाद में काम आएगा कि नहीं आएगा देखेंगे, बट ऑब्जर्वेशन करने के लिए सही चीज रहेगी। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, इस तरह का एक प्रोसेसर है, 5 स्टेज का पाइपलाइन है और 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रन हो रहा है। अलग से नोट कर लेते हैं, फेच हैपेंस व्हेन द इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पाइपलाइन, यहाँ पर फेच होता है अलग से बता रहा है, पता नहीं क्यों, आगे देखेंगे। अ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंप्यूट्स द टारगेट एड्रेस एंड इवैल्यूएट द कंडीशन इन द थर्ड स्टेज ऑफ द पाइपलाइन। अब ये बात समझ रहे हैं, अगर ब्रांच हुआ तो वो कैलकुलेशन कहाँ हो जाएगी, थर्ड के अंदर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो बेसिकली मुझे बताओगे क्या इससे आप समझ गए कितने स्टॉल लगे, कौन बताएगा? अगर वेरी गुड वेरी गुड, तो दो स्टेज के लिए सर वेट करना पड़ेगा, स्टेज 2 और स्टेज 3, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 से चालू कर सकती है। ये बात क्लियर होगी ना? अब तो आगे बढ़ता हूं। अ प्रोसेसर स्टॉप फेचिंग न्यू इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ए कंडीशनल ब्रांच अंटिल द ब्रांच आउटकम इज नोन। अ प्रोसेसर स्टॉप फेचिंग न्यू इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर नई इंस्ट्रक्शन को फेच करना रोक देता है और जब तक ब्रांच का आउटकम नहीं होता, ये तो कॉमन सेंस बात है, हमें पता है। कहता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ इस 20%। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, टोटल इंस्ट्रक्शन बता दी, ब्रांच बता दिया, आपसे पूछ रहा है टोटल एग्जीक्यूशन टाइम बताओ। तो इंस्ट्रक्शन बाद में बात कर लेंगे, मुझे बताइए फॉर, ये तो रेशो भी नहीं चेंज कर रहे, हर बार सेम ही डेटा लिख रहे, बट खैर, फॉर 80% ऑफ द केसेस 0.8 में कितना साइकिल लगेगा, कितना क्लॉक लगेगा? एक, ये तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, इस क्वेश्चन में इसके बारे में ऐसे कुछ अलग से बात की नहीं गई है, बट ये हम जानते हैं। वेरी गुड, प्लस जब ब्रांच होगा तो कितना लगेगा? अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, बहुत शानदार, 2 स्टॉल हमें लगे और 1 हम करते ही हैं, तो 2+1=3 लग गया सर, ये कितना हो गया 8.6, ये हो गया 1.4। यस, हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शन है? हमारे पास है 10^9 इंस्ट्रक्शंस, और एक इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगता है? वाह, अब बात समझ आई ना क्यों बेचारे ने 1 गीगाहर्ट्ज लिखा, बहुत अच्छा आदमी ये है। इसको उल्टा करिएगा तो क्या बन जाएगा? नैनोसेकंड, दैट इज 10^-9। नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपका आंसर फिर से आ जाएगा 1.4 सेकंड। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताइए, अगर कोई आपसे ब्रांच की बात कर ले, इस तरह के ऑब्जर्वेशन की बात कर ले, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर हो रहा है सभी को? कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व? ओके सर, प्लैटिनम में यूज होता है ना, पेंटियम में यूज होता है ना ब्रांच प्रिडिक्शन एल्गो? देखिए, ज्यादातर प्रोसेसर जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कॉपीराइट, उनका पैटेंट कब तक होता है? फॉर 20 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, है ना? तो लेकिन रियलिटी में कौन क्या यूज कर रहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और हाँ, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो 20 साल आउटडेटेड पढ़ रहे हैं सर, लेकिन रियलिटी में क्या यूज होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, है ना? तो मैं इस पे ना हाँ बोल सकता ना बोल सकता, और फिर मुझे जो मेरा आइडिया याद है वो ये कि इसका एग्जाम से लेना देना भी नहीं है, तो अपन इस पर ना ही बहस करें तो बेहतर है। एग्जाम में प्रेशर हैंडल कैसे करें? प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, प्रेशर हैंडल करने का क्या तरीका है मुझे बताइए? तैयारी। आप किसी चीज में जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपको टाइम उस चीज पे खर्च करेंगे, उतना ही कंफर्टेबली उस काम को कर पाएंगे, उतने कॉन्फिडेंस आपको आएगा, है ना? अगर आपको साइकिल चलानी आती है मुझे बताओ, तो आपको साइकिल चलाते हुए प्रेशर फील होता है बहुत? कहते ऐसा लगता है कि आप जिंदा रहेंगे मर जाएंगे क्या? नहीं,
एक समय के बाद तो अपन ध्यान भी नहीं देते कि अपन बैलेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो बस हो जाता है। मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बचपन में अब क्या होता है ना, आम फैमिली में बच्चा जितना बड़ा था साइकिल दो नंबर बड़ी दिलाता है, कहता है फिर मांगेगा वरना एक साल के बाद, हाइट बढ़ रही होती है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ था, हाइट कम थी साइकिल बड़ी दिला दी। एक ये भी कंसेप्शन है, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत है, कि हाइट बढ़ जाती है साइकिल चलाने से, तो और इसके ऐसा बनाओ कि यू नो गद्दी चांद पे हो ताकि इसके पैर पहुंचे ही ना पैंडल तक। खैर, तो इसका प्रेशर इतना है भाई, अब आप समझो साइकिल पे अपन बैठ नहीं सकते, तो पहले कहीं किसी की यू नो कोई ऊंची जगह होगी, किसी के घर का एंट्रेंस होगा, पहले वहां जाओ, वहां से साइकिल पे बैठ गए और फिर चलाना स्टार्ट किया। अब टेंशन किस बात की है, रास्ते में अगर कोई आ गया तो अपने को रोकनी आती कि नहीं आती है? रोकनी नहीं आती है भाई साहब, कूदना पड़ेगा इसके ऊपर से, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो है टेंशन, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे आप समय बिता लेंगे वैसे वैसे आपको, जैसे सिमिलरली अब कार चलाना आप सीखेंगे, बाइक चलाना सीखेंगे, स्टार्टिंग में आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी। यही गेट के बारे में भी है। चलिए, तो अब दो हजार्ड्स हम पढ़ चुके हैं। टोटल कितने तरह के हजार्ड्स होते हैं याद है आपको? स्ट्रक्चरल हजार्ड्स होते हैं, कंट्रोल हजार्ड्स होते हैं, दोनों हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, आपने देखा स्ट्रक्चरल हजार्ड पे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं, क्वेश्चन किस पे पूछता है? कंट्रोल हजार्ड्स के ऊपर, है ना, उस पर किस तरह क्वेश्चन हमने देखा। अब आ जाती है अगली कैटेगरी जो है डेटा हजार्ड्स। तो पहले मैं अगेन दोबारा याद दिला देता हूँ, डेटा डिपेंडेंसी तो एक इतना सिंपल आइडिया है जो बार 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 होता ही है। यू नो एक इंस्ट्रक्शन को डेटा चाहिए जो अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली क्या उससे उसकी वजह से पाइपलाइन सफर करेगा? आप इंस्ट्रक्शन वन के बाद इंस्ट्रक्शन टू के बाद इंस्ट्रक्शन थ्री रन करा रहे हैं तो 100% सफर करेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स हैं, बट उस पर मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगेगा कि उससे कुछ खास सीखेंगे आप, कंसेप्ट तो मोरल लेस सेम ही है, तो क्यों ना डायरेक्टली क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। कैसी बात है, कोशिश करते हैं। जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन मेरे पास है गेट 2018 में डेटा हजार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इसको जरा ऑब्जर्व एक बार करेंगे और फिर देखेंगे कैसे सॉल्व होगा और क्या ये क्वेश्चन कंट्रोल हजार्ड्स का डेटा हजार्ड्स का क्या कहानी है, इसकी कहानी भी समझते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देखिए, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, मैं एक रैंडम पोल चला देता हूँ और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अभी अगले 2-3 मिनट आपके हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो जितना मजा उठाना है इस क्वेश्चन का उठा लीजिए। एक नई पहेली है, देखिए जरा क्या ये कहना चाह रहा है, क्या कुछ बात आपको समझ आती है? वेरी गुड, काफी लोग वैल्यू बता रहे हैं। आ रहा है।
ओके ओके, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कई लोग मेरे ख्याल से आप में से खैर क्वेश्चन ऑब्जर्व कर पाए और बहादुरी से आपने क्वेश्चन पढ़ा भी, वन बाय वन पूरी चीज समझेंगे, फॉलो करेंगे, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन पढ़ना मैं स्टार्ट करता हूँ। कहता है द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑफ अ रिस्क प्रोसेसर हैज द फॉलोइंग स्टेज। अब इसने एडिशनली खैर ये पॉइंट मेंशन यहाँ कर दिया। अभी रिस्क या सिस दो तरह के प्रोसेसर होते हैं समझे नहीं, लेकिन इस बात का क्या क्वेश्चन से कुछ खास लेना देना है? नहीं, तो बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितना बोला है, फॉलोइंग स्टेजेस, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, परफॉर्म, ऑपरेंड फेच, परफॉर्म एंड राइट बैक। तो देर आर फाइव स्टेजेस। अगेन जैसा हम आमतौर पर करते हैं विजुअलाइज करने के लिए, पांच स्टेज हम बना लेते हैं। सो लेट मी से दिस इज एस वन, दिस इज एस टू, दिस इज एस थ्री, दिस इज एस फोर एंड दिस इज एस फाइव। तो फाइव स्टेजेस हमारे पास हैं। एंड बोल रहा है इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच, राइट बैक, टेक वन क्लॉक फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन फेच एंड देन इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड देन ऑपरेंड फेच एंड देन परफॉर्म ऑपरेशन एंड राइट बैक, ये सबका सब वन वन लेगा। डिकोड भी, ऑपरेंड फेच भी और राइट बैक भी, सिर्फ परफॉर्म ऑपरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। आगे पढ़ता हूँ। कहता है कंसिडर सीक्वेंस ऑफ 100 इंस्ट्रक्शन। इन द पीओ स्टेज 40 इंस्ट्रक्शन टेक्स थ्री क्लॉक्स, काउंट लिख लेता हूँ, 40 लेते हैं थ्री क्लॉक्स, 35 इंस्ट्रक्शन टेक टू क्लॉक्स, ओके, एंड देन रिमेनिंग 25 इंस्ट्रक्शन टेक वन क्लॉक इन ईच साइकिल, रिमेनिंग 25 टेक वन क्लॉक इन ईच साइकिल। नाउ फॉर द सरप्राइज, इस क्वेश्चन को शायद फिर हमें पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि कह रहा है There are no data hazards and control hazards. तो इस क्वेश्चन का क्या डेटा कंट्रोल हजार्ड से कोई लेना देना है? नहीं। There are no data or control hazards. फिर बोलता है then the number of clock cycle required for completion of the execution of the sequences. कितना खर्चा होगा? तो वैसे तो ये डेटा आपके सामने है, एडिशनली आप पहले कैलकुलेट कर लो, फिर हिसाब से ऑब्जर्व कर लेना। तो लेट मी गो वन बाय वन, मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूँ, ओवरऑल कितनी इंस्ट्रक्शन है? ओवरऑल हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन आर देयर? 100 है। अगर ये गोल घपाला नहीं करता और यहाँ पर एक ही लगता तो कितना खर्चा होता सर? M into N minus 1. तो M, it's a five stage pipeline, और N is 100 minus 1. So that is 99 plus 5. So answer आता 104. 104 standard cycle होता, क्या बात समझ आ रही है आपको? अब आप मुझे बता दो इसमें कितना additional खर्चा हुआ आपका? 40 में तीन एडिशनल, 40 वाला जो है तीन लेता है, एक तो हम काउंट करके भी चल रहे हैं, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूं सर या 2 से मल्टीप्लाई करूं? ये बात समझ पा रहे हैं? मैं एडिशनल खर्चे की बात कर रहा हूं, एक क्लॉक तो मैं मान के चल रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो एडिशनल लेने के लिए। वेरी गुड। प्लस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 1 से करूं? 35 को 1 से करो, क्योंकि 2 तो टोटल लग रहा है, एक हम ऑलरेडी ले चुके हैं। रही बात 25 की, मुझे बताओ इसको कंसीडर करना है कि नहीं? नहीं, ये तो ऑलरेडी हमने मैनेज कर लिया, सिंगल क्लॉक अगर लग रहा है सर उसे हैंडल करने में तो ऑलरेडी काउंटेड है। तो ये कर लो, 40 into 2 कितना हो जाएगा? 80 and 35 into 1 is nothing but 35, ये हो जाएगा 115. So 115 plus 104, जो आप में से शायद कई लोग बता रहे थे, आंसर आ जाएगा 219 नैनोसेकंड्स। नैनोसेकंड में ही पूछा है नंबर ऑफ कंप्लीशन रिक्वायर, आगे यूनिट लिखी होगी, शायद मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मेंशन किया गया होगा कि आंसर नैनो सेकंड में चाहिए। आई एम सॉरी, ये तो क्लॉक्स आए ना, तो यही आंसर है। टाइम तो निकाला नहीं, क्यों? फ्रीक्वेंसी पता नहीं प्रोसेसर की। अच्छा ठीक बात है, इसीलिए नैनो सेकंड नहीं लिखा, क्योंकि क्लॉक है तो वो तो काउंट है, उसके लिए यूनिट तो चाहिए नहीं। सही बात। मुझे बताएं कोई डाउट, कोई तकलीफ? आपने खुद से सॉल्व किया, बहुत अच्छा, नहीं कर पाए, अभी जो डिस्कशन ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या वो फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत साधारण, बहुत सिंपल तरीके से बात समझ आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस वन। Now this is GATE 2010 two mark question, और ये question भाई data dependency पे होगा।
तो पूरी बात सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ऑप्शंस भी हमारे पास है, टेक योर टाइम। और यहां मैंने दो क्यों बनाए हैं अभी हम समझेंगे। 70+120, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व कर लीजिए अमन, बिल्कुल। यही यही नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी है, डिपेंडिंग ऑन द आइडिया हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। I not psi 3 तक ओवरऑल तीन इंस्ट्रक्शन है, चार इंस्ट्रक्शन है, I'm sorry। बिल्कुल सेम आएगा सर, अगर क्लैरिटी है तो सेम आएगा, रिजल्ट भला चेंज कैसे होगा, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर लो। डेटा डिपेंडेंसी है, यस। हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है क्या? गुड। मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं एक बार, क्या क्या परसेंटेज में आपने आंसर किया है। बहुत लोगों ने पहले भी सॉल्व किया होगा, बहुत लोगों ने शायद अभी भी सॉल्व किया हो। ऑप्शन ए 13 को 13% ही मिला है, बी को सबसे ज्यादा 60%, 17 को 20% और डी को 8%। चलिए लेट्स गो वन बाय वन। कहता है A five-stage pipeline processor has an instruction fetch, decode operand, fetch, perform operation, write operand. तो five stages हैं, और फिर वही पूरी clarity दे रहा है कि fetch में, decode में, operand fetch में, write operand में एक clock ही लगेगा, लेकिन perform operation बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? कह रहा है perform operation take one clock cycle for addition and subtraction,
सो अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का खर्चा एक एक, लेकिन सब ओके, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड सिक्स फॉर डिविजन। मल्टीप्लाई करेगा तो थ्री लगेगा और डिवाइड करेगा तो सिक्स क्लॉक लगेगा। पहले मैं रुक के एक मिनट आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, डज दैट मेक सेंस जो ये बोल रहा है? क्या ये एक नॉर्मल बात है? ये बोल रहा है कि ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, और अगर ऑपरेशन मुश्किल है, जैसे आपके सामने ही है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक एक में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में टू और थ्री। आप फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक बात है। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज्ड इन दिस पाइपलाइन। आपको पता है ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या होता है? किसी को पता है ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या होता है? अच्छा, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, कोई बात नहीं, दोनों चीज ऑब्जर्व करेंगे। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लॉक नीडेड टू एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये चार इंस्ट्रक्शन लिखी है, मैं क्या करूंगा या मुझे क्या करना चाहिए एक बार, इसलिए मैंने दोनों टेबल बनाए हैं ताकि आपको मैं डिफरेंस आइडेंटिफाई करा सकूं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसा करते, मुझे समझ नहीं आ रहा जब मैंने टेबल बनाया उस समय तो मैंने इसमें क्लॉक के नंबर क्यों नहीं लिखे, पता नहीं उसमें क्या दिमाग में रही होगी। खैर कोई बात नहीं, अगली क्लास में लिख लूंगा। चलिए यहां से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। तो अब लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन नंबर आई नॉट, और डेटा की जहां डिपेंडेंसी मुझे बताते चलिएगा। तो इंस्ट्रक्शन नंबर आई नॉट तो मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक है। तो सबसे पहले फेच होगा, उसके बाद डिकोड होगा, उसके बाद ऑपरेंड फेच होगा। एग्जीक्यूशन कितने में होगा, कौन बताएगा? परफॉर्म ऑपरेशन, मल्टीप्लाई है तो तीन में होगा। सो परफॉर्म ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन, और आखिरी काम है राइट ऑपरेंड एक में हो जाएगा। लाइक दिस, पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते होते 7 क्लॉक का खर्चा होगा। क्या ये बात समझने में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? समझ आ रही बात? आगे बढ़ता हूं। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एक सेकेंड पहले मैं देख लेता हूं क्या आई नॉट और आई वन के बीच में कोई डेटा डिपेंडेंसी है। ये आर नॉट आर वन को मल्टीप्लाई करके आर टू में रख रहा है, ये नहीं, कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है। चलो फिर मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ। तो फेच एंड डिकोड, उसके बाद मैं ऑपरेंड फेच करूंगा, परफॉर्म ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, 2 स्टॉल लगेंगे। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि सर्किट बिजी है भाई, है ना। उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब ये क्या कर रहा है, डिवीजन, माय गॉड। तो कितने स्टेजेस लगेंगे सर? 6 स्टेज लगेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 6 स्टेज लगे, और उसके बाद लास्ट में कहीं जाके क्या होगा, हमारा काम होगा राइट ऑपरेंड। तो ये 13 में जाके काम कंप्लीट होगा। क्या यहां तक की क्लैरिटी सबको है? ओके ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे बताइएगा क्या यहां डेटा डिपेंडेंसी है? हाँ है ना, दोनों पर ही है। पहली इंस्ट्रक्शन से R2 जनरेट होता है, दूसरे से R5 जनरेट होता है, दोनों का इस्तेमाल करके हम जाते हैं R2 के ऊपर। फिर भी मैं रन करना स्टार्ट करूं, जहां आपको नहीं समझ आया मुझे बताइएगा। मैं इंस्ट्रक्शन फेच करूंगा, मैं इंस्ट्रक्शन डिकोड भी कर लूंगा, पर मैं ऑपरेंड फेच नहीं कर पाऊंगा। क्या समझ पा रहे हैं आप भाई? जब अभी ऑपरेंड तैयार ही नहीं तो फेच कहां से करूंगा, है ना। तो अब देखिए, भारी भरकम स्टॉल मुझे झेलने पड़ेंगे, और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब कहीं जाके मैं ऑपरेंड फेच करूंगा। ये स्टॉल यहां क्यों लगा रहा हूं, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये पहला एग्जांपल है डेटा डिपेंडेंसी का आपके सामने, क्योंकि मुझे जो डेटा चाहिए सर वो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं, मुझे वेट करना पड़ेगा। जब तक I1 अपना काम कंप्लीट ना कर ले तब तक मैं ऑपरेंड फेच नहीं कर सकता, हालांकि उसके बाद एडिशनल ऑपरेशन ही किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑपरेंड फेच के बाद मुझे करना होता है ऑपरेंड फेच के बाद परफॉर्म ऑपरेशन एंड देन राइट ऑपरेंड। तो 16 तक मेरा काम कंप्लीट होगा, कैलकुलेटेड है ना R2 एंड R5। मैं समझा नहीं आपके बात देवदत्त जी। इंस्ट्रक्शन नंबर I0 और I1 कैलकुलेट कर रहा है, तो जब I1 कंप्लीट होगा 13th पे तभी तो जाके R5 की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। अच्छा आप लिख रहे हैं नहीं है, ठीक है ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताइए अगला इंस्ट्रक्शन I3, इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड, ये हो जाएगा अगेन ऑपरेंड फेच,
क्या ओहो ये जनरेट कर रहा है आर टू और ये आर टू यूज कर रहा है, क्या यहां भी डेटा डिपेंडेंसी है? जी हाँ यहां भी डेटा डिपेंडेंसी है। तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा, कब तक वेट करना पड़ेगा सर? मुझे वेट करना पड़ेगा 16th क्लॉक तक, उसके बाद कहीं जाके 7th पे ऑपरेंड फेच होगा, उसके बाद 18th पे जाके परफॉर्म ऑपरेशन होगा और 19th पे गेम ओवर होगा। फॉलो कर पा रहे? तो अगर यहां पर ये लाइन ना लिखी होती इस क्वेश्चन में, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज इन दिस पाइपलाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन डी 19। क्या ये बात समझ आती है आपको? इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कराता हूं, दैट इज अ रीजन कि आपको परफेक्ट क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है, बट इंप्रूवमेंट के बाद क्या हो सकता है। अच्छा, बिना डेटा डिपेंडेंसी के 13 आया, तो सलाम इन लोगों को जिन्होंने डेटा डिपेंडेंसी की परवाह ना करते हुए है ना कैलकुलेशन कर दी। I not was available at 8th cycle. So can't we use 9th clock and take a stall till 13 for R2? एक बार आप वॉइस पे आओ यश मोदी जी, तब मैं आपकी बात बेहतर से समझ पाऊंगा। हाँ ऐसे तो नहीं पता लगेगा आप क्या कल्पना कर रहे हो, क्योंकि अभी ये टेबल बना हुआ है। एक बार आप आ जाओ तब इस पे फिर डिस्कशन कर लेंगे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग जी, बताएं सर। मैं ये कह रहा था कि सर हमारे पास जो I1 का आउटपुट है, एक सेकंड, किसका? I0 का या I1 का? I0 का जो रिजल्ट है जी, वो हम लोग को R2 मिल गया था, वो भी 7th साइकिल के बाद, यानी 8th साइकिल में। 7th साइकिल कंप्लीट होने पे हमें R2 मिल गया था, सही बात है। हाँ, और उसके बाद सर हम लोग I3 में हम लोग ने 8th साइकिल पे हम लोग ने उसका वैल्यू क्यों नहीं रखा? हम लोग वो भी कर सकते थे ना कि 8th साइकिल पे I1 का वैल्यू रखते और फिर स्टॉल खा के I14 पे R5 का वैल्यू रखते। I2 की बात कर रहे हैं, I3 की बात कर रहे हैं सर? यानी जो I0 और I1 के रिजल्ट्स है, पहला रिजल्ट मैं रखना चाह रहा हूँ जब I0 कंप्लीट हुआ, यानी 8th स्टॉल पे और फिर स्टॉल खा के मैं दूसरा रिजल्ट रखना चाह रहा हूँ। की बात कर रहे हैं I2 के I3 के स्टॉल की? किसकी स्टॉल की बात कर रहे हैं? मैं I3 के स्टॉल्स की बात कर रहा हूँ। I3 के स्टॉल की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि I3 जो डेटा यूज कर रहा है वो I0 का नहीं कर रहा, I2 का कर रहा है? I0 में जो R2 वैल्यू लिखी हुई है, ये इसको I0 वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसको I2 वाली वैल्यू चाहिए। क्या बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तो फिर हम आपको समझ आया कि आप गलत बोल रहे हैं? हाँ सर, तो भी I2 में जो है पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग को अवेलेबल हो गया था, यानी R2 की वैल्यू हम लोग को अवेलेबल हो गई थी 8th साइकिल पे। हाँ, जो तीसरी रो में देख रहा हूँ अभी, ठीक। तो हम लोग ने तीसरी रो में 8 पे स्टॉल रखा है और 14 से स्टार्ट किया है। हम लोग जो है R2 की वैल्यू 8 पे रख के 9 10 11 12 और 13 वो 5 स्टॉल खा के R5 की वैल्यू रख सकते थे ना, क्यों R5 हम लोग को लेट मिला। कुछ खा रखा है क्या आपने? नो सर। R5 की वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको ये बताओ, कौन सी क्लॉक पे मिलेगी? सर मेरे को 13 पे मिलेगी। तो क्या 13 से पहले मैं I2 के दोनों डेटा रीड कर पाऊंगा?
सर बट आर टू अवेलेबल है ना, तो आर टू को किस में ऐड करूं ये बताओ। आर टू आगे रुकेगा कि जब मेरा दूसरा ऑपरेंड आएगा मैं उसके बाद ऑपरेशन करके। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेंड कब आएगा? दूसरा ऑपरेंड 14 को। हाँ, तो क्या उससे पहले मेरा ऑपरेंड फेच कंप्लीट हो सकता है? नहीं। तो फिर मैं कैसे इसको 8 पे या 9 पे जहां भी आप बोल रहे रन करा दूं? ऑपरेंड फेच करने का तो यही मतलब होगा ना कि जो दो ऑपरेंड है दोनों ऑपरेंड मिलने चाहिए। एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, बिना दोनों ऑपरेंड मिले कैसे मैं रन करूंगा? यस सर। अब बात समझ आ गई कि आपको? हाँ। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये डाउट तो भाई कमेंट पे सॉल्व होना नहीं था, ये नेक्स्ट लेवल था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करके ही बात समझ आती है और ये इस तरह के डाउट सॉल्व हो। लेकिन अगेन आप समझ रहे हैं ना, बाकी लोग भी समझ पाए कि वो कहां थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, यश कहां कंफ्यूज हो रहा था। भाई जब दोनों ऑपरेंड होंगे तब तो मैं जाके बोलूंगा ना कि मेरा ऑपरेंड फेच हुआ, उससे पहले कैसे मान लूं ऑपरेंड फेच हो गया। खैर अब मुझे थोड़ा खुशी भी है थोड़ा डर भी है, बताओ क्यों? थोड़ा डर इसलिए है क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन बिना ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के सॉल्व किया हमने, गेम तो अब होना है। मेरी तो हाल मुझे डर लग रहा थोड़ा थोड़ा, बट चलिए कोई बात नहीं, कैसे गेम होगा ऑब्जर्व करते हैं। मैं दोबारा से रन करना स्टार्ट करूं सर, जहां गलती करूं मुझे बताइएगा। तो ओके, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड, ऑपरेंड फेच, परफॉर्म ऑपरेशन, राइट। यहां तक तो कोई चेंज होना नहीं है और बिल्कुल सही हितेश बोल रहा है, पहले दोनों ही सेम रहने वाले हैं। वो क्यों? बिकॉज डेटा डिपेंडेंसी नहीं है ना। क्या पहले दो में डेटा डिपेंडेंसी थी? जी नहीं, तो ये स्टॉल मुझे झेलना ही पड़ेगा। और ये जितना 6 क्लॉक इसने लिया है वो 6 क्लॉक मेरे को लेना ही है, तो यहां तक नो चेंज एट ऑल। और फाइनली I2 भी क्लॉक नंबर 13 पे जाके ही कंप्लीट होगी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सेम है, वेरी गुड। अब यहां से गेम इंटरेस्टिंग होगा, कैसे होगा चलिए जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो मैं इंस्ट्रक्शन लिखनी शुरू कर रहा हूं, जहां गलती करूं बताइएगा। इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया, कर सकता हूं। इंस्ट्रक्शन डिकोड कर लिया, कर सकता हूं, है ना। अब लॉजिक ये है कि अभी हम क्या करते, देखिए सोचिए, हम करते ये हैं फिलहाल कि एक वैल्यू कैलकुलेट होती है। मान लीजिए ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है? R5 की, वो ये अटकी है ना। R5 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वैल्यू कहां कैलकुलेट होगी मुझे बताओ? वैल्यू CPU में कैलकुलेट होगी, रजिस्टर में होगी। रजिस्टर मतलब CPU, CPU मतलब ALU, जो चाहे बोल लो। अब आप उसको जाके मेमोरी में राइट करेंगे, फिर हम उसको मेमोरी से पढ़ के लाएंगे, यही हो रहा है ना। आप CPU में कैलकुलेट करते हो, फिर उसको जाके मेमोरी में राइट करते हो, फिर वहां से हम फेच करके लाते हैं। अब क्या थर्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन नंबर I2 ऑलरेडी CPU में है और एग्जीक्यूट हो रही है? हाँ। तो हम बोलते कि भाई साहब फिर क्यों इसको भेज रहे हो? मतलब आप भेज लेना, लेकिन इसका कॉपी हमें यहीं का यहीं पकड़ा दो तो हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा। बताइए कैसी बात रही? यस। तो अब इस आइडिया को बोलते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। अब इस नाम का, इस व्यवस्था का मतलब समझिए, इसको बोलते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मतलब ऑपरेंड को बजाय मेमोरी में जाके वहां से वापस लाने का इंतजार करने के बजाय CPU के CPU से ही मैं फेच कर लेता हूं। यस। तब आप मुझे बताएं अल्टीमेटली ये जो मेरा रजिस्टर वैल्यू R5 है, ये कैलकुलेशन कहां कंप्लीट हुई? ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई 12 में कहा? हाँ 12 में हुई, सही बात है, ये कैलकुलेशन 12 में कंप्लीट हुई। तो क्या मैं इसको 13th क्लॉक में यूज कर सकता हूं? मैं मान रहा हूं मैंने कॉपी ले ली। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ 13th क्लॉक में मैं ऑपरेंड फेच लिखूं या परफॉर्म ऑपरेशन लिखूं? बस ये बता दो। डायरेक्ट परफॉर्म, भाई ऑपरेंड फेच तो तब करना होगा ना जब जाके मेमोरी से लेके आएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे आमतौर पे इस तरह की एज लगा दी जाती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो यहां से मैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज करके डायरेक्ट परफॉर्म ऑपरेशन करूंगा। ये है सर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की आर्ट। अच्छा, अब वो आपकी मर्जी है, कुछ लोग इधर लिखते हैं, कुछ लोग इधर लिखते हैं। मैं मान सकता हूं कि यहां से यहां तक मैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ही तो कर रहा था, उसका वेट कर रहा था। अब जहां चाहे वहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब जगह वेट कर रहा था। आर टू तो पहले ही आ चुका था, नहीं आया था मुझे बताओ। आर टू तो कब अवेलेबल हो गया था? 8 o'clock पे हो गया था, तो कर लिया होगा आपने आराम से। क्या आर टू के लिए इंतजार हो रहा था? नहीं सर, वो पहले ही हो चुका है। तो ये हमने यहां पर पैसे बचा लिए। और राइट ऑपरेशन तो एक में होगा, जो काम पहले 16th में हो रहा था वो काम 14th में हो गया। अब पहले मैं रुक जाता हूं, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। आर टू के लिए भी एरो बनाएंगे? नहीं, वो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या आर टू के लिए हमने फॉरवर्डिंग यूज की है? मुझे बताएं, क्या आर टू के लिए हमने नहीं, वो तो हमने नॉर्मली ले लिया होगा, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सुबीर पूछ रहा है 8 पे क्यों। जब ये मैं ऐसे करके एरो बनाया तो इसका मतलब ये कि 8 पे ऑपरेंड फेच हो रहा है। कौन सा नशा करते हो यार? ये जो रेक्टेंगल है, बचपन में पढ़ा होगा, कंसीडर अ रेक्टेंगल वेयर लेंथ इज 5 centimeter एंड वेयर हाइट इज 4 centimeter। इसका मतलब बस इतने हिस्से की लेंथ 5 centimeter है। अब एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब है कि क्लॉक नंबर 5 से लेके और क्लॉक नंबर 12 तक आप जहां चाहें ये लो। मुझे पता था इसमें कीड़े होंगे, बट कोई बात नहीं, ये लो। सब में लिख दिया ऑपरेंड फेच। और बताओ, अभी क्लियर है क्या? अब और इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हैप्पी क्या कह रहा है? सर ऑपरेंड फेच सिर्फ आर टू के लिए फेच करेगा और आर फाइव को डायरेक्ट, क्या लिख रहे हो ये, आई वन और आई टू क्या है? हाँ, डायरेक्ट दे देगा, करेक्ट। सर 7 के बाद मिल पाएगा आर टू का ऑपरेंड? जी हाँ, 7 के बाद मिल जाएगा। नहीं, आर टू का ऑपरेंड, हाँ आर टू का 7 के बाद मिलेगा। सिक्स के बाद मिल जाएगा। देखिए, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ऑब्वियसली, इसलिए मैं देखो, मुझे पता है, इसलिए तो मैं इस तरह से लाइन बना रहा हूं। मुझे बताओ, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक, 3 चीज चाहिए। बाकी सब मान लो सब हार्डवेयर, बर्तन वर्तन, गैस वैस सब है आपके पास। अब आखिरी एलिमेंट चाय पत्ती है जो 11 बजे आई। क्या 11 बजे से पहले चाय बन जानी है क्या, ये बताओ। अब दूध किस समय आया, चीनी किस समय, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? वही तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आखिरी ऑपरेंड मुझे 12वीं क्लॉक पे मिल रहा है, तो 13 पे मैं परफॉर्म ऑपरेशन कर रहा हूं, बात खत्म। अब इसमें तो आर टू ही है, कोई बड़ी इक्वेशन हो किसमें हो सकता है 4-5 ऑपरेंड हो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। यस और नो? सर ऑपरेंड फेच नहीं, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग लिखा है ना? हाँ भाई, सब एक ही बात है, एक ही बात है। आप जो पूछे तो फेच के बारे में पूछे, तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग तो कला है जो हमें एडिशनली यूज करनी पड़ रही है। दूध और चीनी को गर्म करके रखेंगे तब तक, बहुत अच्छा करेंगे। आगे बढ़ सकता हूं? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका मन भर गया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड,
अब फिर वही तीसरा मसला ऑपरेंड फैच का, क्या इसमें कोई डेटा यूज हुआ है ऊपर से? जी हाँ, तो फिर टेंशन नहीं है, लेकिन पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिए जो डेटा है वो 13th क्लॉक पे होगा, तो 14th पे मैं परफॉर्म ऑपरेशन कर सकता हूँ। फिर वही बात, इस पूरे को आप मान लीजिए ऑपरेंड फैच चल रहा है, मेरे को उस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको आप कहाँ लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन मैं 14th में परफॉर्म ऑपरेशन करूंगा और 15th में करूंगा राइट ऑपरेंड, यानी के चार क्लॉक मैंने बचा ली यूजिंग दिस आइडिया। जो काम 19 में होता वो काम 15 में हो जाएगा। बताइए अब जरा बात समझ आ रही है क्या? सर ये पूरा टेबल बनाकर ही सॉल्व करना होगा? मतलब नहीं, इसके लिए कुछ तंत्र विद्याएं भी हैं, उसके लिए कुछ सामग्री आपको लानी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, तब हम कोशिश कर सकते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था। पहली बात, ये दोनों टेबल बनानी है कि एक टेबल बनानी है? एक टेबल बनानी है। गिन के अगर आपको आइडिया पता है, 2 से 2.5 मिनट लगने नहीं है इस क्वेश्चन में। लगने हैं क्या? नहीं। लेकिन इसको अभी अभी जतिन से बात की ना आपने, इसको शॉर्टकट करोगे तो नंबर नेगेटिव आ जाएंगे, ये समस्या है। तो नेगेटिव लेने से अच्छा है 2-3 मिनट लगाओ और फिर उस पर काम करो। CS guys are using simple but intelligent solutions and making CP extremely fast day by day. ये कौन सी तंत्र विद्या है? ये आपने किया है। एक बार ऑडियो पे आओगे आप? ऑडियो पे आ जाओ, फिर मैं कुछ जानना चाहता हूं आपके मन की बात। हेलो हेलो चिरंजीव, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। थोड़ा जोर से बोलोगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बताएं मुझे कैसे कैलकुलेशन आपने की? सर मैंने सर ये देखा कि 8 वहां पर इंस्ट्रक्शन, 8 हमारे पास वहां इंस्ट्रक्शंस थी जो हमने वहां पर करी थी। क्वेश्चन मेरे पास खुला नहीं है। ये अपना सिस्टम को वो बंद कर लो। 8 इंस्ट्रक्शन थी या 4 थी? हेलो किरण जी, हेलो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत कम आ रही है। चेंजिंग की आ रही है? अभी क्लियर है क्या? अ
अच्छा खैर, बस मैं बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन मत करिए। द रीजन इज आपने इस पूरे कैलकुलेशन करते हुए क्या कहीं डेटा डिपेंडेंसी को कंसीडर किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस क्वेश्चन में ऑपरेंड फॉरवर्डिंग भी यूज करना था, क्या उसका कोई इस्तेमाल हुआ? नहीं। तो मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमेशा x इंटू वाई, जहां पर x की वैल्यू 3 लीजिए और y की वैल्यू 5 लीजिए, हमेशा आंसर सही आएगा। तो 3 इंटू 5 करेंगे आंसर आएगा 15, लेकिन ये फॉर्मूला और डेटा सिर्फ इसी क्वेश्चन तक सीमित है, इसके अलावा और कहीं ये काम नहीं करेगा। ये कुछ इस तरह की बात हो गई भाई। जब आप डेटा कंसीडर नहीं कर रहे, फिर आप मुझसे ये भी पूछ रहे हो कि सर ये सही है क्या, क्या हमने सच में कुछ ऐसा कैलकुलेट कर दिया कि नोबेल प्राइज हमको मिलेगा ना? तो कोई बात नहीं खैर, बट उसका इस आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? ओके सर। ना हो सकता है पांच का टेबल उन्होंने पढ़ा ना, इसलिए मैंने पहले थ्री लिखा। थ्री फाइव या 15 करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, तो फाइव थ्री था तो मैंने 3 × 5 करा दिया इसीलिए। चलिए इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। दो चार क्वेश्चन इस पे और है, तो मैं 10-15 मिनट और लेंगे पाइपलाइनिंग पे, और दो नए क्वेश्चन है, ये होमवर्क में जरूर ट्राई कर लेना। 2021 दो क्वेश्चन पूछे, इन पे बात करेंगे, उसके बाद जो इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो देखेंगे, बट ऑब्वियसली उसका कुछ लेना देना है नहीं। मैं आपको बता दूंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बस थोड़ा सा देखना जरूरी है, और फिर कल जो हमारा अगला आइडिया है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उस पे हम आ जाएंगे। यस चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।